Vakratunda Mahakaya, Surya Koti Samaprabha, Nirvignam Kurume Deva, Sarvakarya Susarvada. Sant Shiromani, Shri Hirdaram Sahibji ke Shri Charno me Shat Shat Naman. Param Shriddhe, Shri Sidh Bhavji ke Charno me Shat Shat Naman. Kehte hain, Dua mile bado se, Saath mile apno se, Khushiyan mile jag se, Rehmat mile Rab se, Pyar mile sab se, Yahi dua hai Prabhu se, Sab khush rahe aap se, Aur aap khush rahe sab se. In pyari si panktiyon ke saath, मैं आर्य केंद्र परिवार की तरफ से आप सबका इस प्यारी सी सुबह में इस प्यारे से अनुभव सत्र में स्वागत करती हूँ. सुप्रभात, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल. आपने सुना होगा कि कहते हैं कि हर सुबह हर शाम हर दिन हर शुभ अवसर ईश्वर की प्रार्थना ईश्वर का नाम लेकर करना चाहिए. तो आज का यह शुभ दिन, आज की ये शुभ सुबह, आज का ये शुभ हमारा अनुभव सत्र भी हम ईश्वर के आशीर्वाद से, संत जी के आशीर्वाद से ही शुरू करेंगे. मैं निवेदन करूंगी हमारे मंच के अतिथियों से कि कृपया वे माँ भारती, माँ सरस्वती, संत शिरोमणि हिरदाराम साहेब जी के श्री चरणों के प्रमुख दीप प्रज्वलित कर माल्या अर्पण करें और आशीर्वाद लें कि हमारा सत्र अच्छी तरीके से सफल हो और हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर पधारे हैं वह उद्देश्य हमारा जरूर सफल हो. अतिथि देवो भव. जिस तरह हर सुबह भगवान का आशीर्वाद लेकर हम कहते हैं, वैसे ही कहते हैं अतिथि हमारे भगवान समान है. तो अतिथियों का भी स्वागत तहे दिल से होना चाहिए. पुष्प भेंट कर, जैसे पुष्प को देखकर हमारा पूरा मन प्रफुल्लित हो जाता है, वैसे ही हमारे अतिथि किसी पुष्पों से कम नहीं है. उनका स्वागत हम पुष्पों से करना चाहेंगे. हमारे अतिथि आज के श्रीमती धरती बहन जी के स्वागत के लिए मैं साक्षी को बुलाना चाहूँगी. कृपया पुष्प भेंट कर हमारी धरती बहन जी का स्वागत करें. कृपया जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करें. तालियों की गड़गड़ाहट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. मुकेश भाई ठक्कर जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर दिनेश से रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया वे आएं और पुष्प भेंट कर हमारे आदरणीय मुकेश भाई ठक्कर जी का स्वागत करें. मैं अनामिका से निवेदन करूंगी कि कृपया वे आएं और हमारे डॉक्टर लता तिवानी जी का पुष्प भेंट कर स्वागत करें. मैं डॉक्टर दिनेश से रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया वे मंच पर आएं और डॉक्टर रमेश तिवानी जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें. तालियों की गड़गड़ाहट आपके लिए फ़ायदा करती है बहुत. आपके हाथों में भी रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं जिससे आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं. एक बार पुनः जोरदार तालियों से हमारे आदरणीय अतिथियों का मंच पर स्वागत करिए. अतिथियों के परिचय कहते हैं, सुनकर कोई अनसुना कर दे ऐसी उनकी आवाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाएं ऐसे उनके अंदाज नहीं, सुनकर भूल जाएं ऐसे इनके अल्फाज नहीं. सूरत से दमकती हैं ये, किसी परिचय की वैसे मोहताज तो नहीं. फिर भी आप सबके सामने हमारी श्रीमती आदरणीय धरती बहन जी हैं. ये गुजरात अहमदाबाद गुजरात से हैं और न्यू डाइट सिस्टम से पहले इन्होंने स्वयं को लाभान्वित किया है. पहले आप
आपने इनको सुना होगा, इन्हें बताया होगा कि कैसे किस तरीके से पहले वो खुद पर उन्होंने आजमाया, जब उनने प्रैक्टिकली उस चीज का अनुभव किया और देखा कि कितना इफेक्टिव है, तो आज ये जन जन में सेवा के माध्यम से ये सबके पास अपने उस ट्रेजर को, हम कह सकते हैं खजाने को, पहुंचा रही हैं, जिससे अनेकों सैकड़ों लोगों ने लाभान्वित किया है, अपने आप को और आज आप लोगों को भी फायदा दिया है। इससे हमें ये ज़रूर इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी आज ठीक होकर आगे हमें भी यही करना है। कृपया जोरदार तालियों से धरती बहन जी का स्वागत करें। कहते हैं हर मेल के पीछे एक फीमेल का हाथ होता है, हर मेल की सक्सेस के पीछे एक फीमेल का हाथ होता है। उसी तरह आज जिस जगह पर धरती बहन जी हैं वो अकेले नहीं है, एक घर का सपोर्ट, एक मेल का सपोर्ट उनके लिए उनकी जिंदगी में बहुत ही मायने रखता है। तो हमारे बीच हैं आदरणीय मुकेश भाई ठक्कर जी, धरती बहन जी के हस्बैंड। इन्होंने हर प्रोग्राम को, जहाँ भी धरती बहन जी ने अपनी सेवा को आगे देना चाहा है, वहाँ हर तरह की, जिस तरह की उनको रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए, घर पर चाहे बाहर, उन्हें हमेशा उनको सपोर्ट किया है। और आगे कार्डियक पेशेंट्स के लिए किस तरीके के जूसेस, किस तरीके का डाइट बनाना है, बनवाना है, उस हर चीज़ में उनका सपोर्ट उनके साथ रहता है। तो कृपया ज़ोरदार तालियों से आदरणीय मुकेश भाई ठक्कर जी का स्वागत करें। आपके सामने अभी डॉक्टर रमेश तिवानी जी हैं, आपने पूरा हफ्ता उनको सुना है पिछले हफ्ते, तो आप डॉक्टर रमेश तिवानी जी, उनने लाइक बैंक में वो हमेशा से कार्यरत थे SBI में, लेकिन उनको नेचुरोपैथी के बारे में पता चला और इतना उनको विश्वास जागृत हुआ, क्योंकि डॉक्टर रमेश भी स्वयं नेचुरोपैथी से ठीक हुए थे, और फिर उन्होंने जाकर मैंगलोर में नेचुरोपैथी की डिग्री ली। तब उनके बच्चे भी पढ़ रहे थे बहुत बड़े, लेकिन उन्होंने अपनी बैंक के साथ, अपनी जॉब के साथ, अपनी फैमिली के साथ इतनी मेहनत कर बाहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की, और आज उन्होंने ठान के रखा है कि जो फ़ायदा मुझे मिला है वो मैं पूरे संसार में देने वाला हूँ, प्रदान करने वाला हूँ। तो ज़ोरदार डॉक्टर रमेश तिवानी जी का स्वागत करें। डॉक्टर लता तिवानी जी, जिस तरीके से मैंने कहा हर मेल के पीछे एक फीमेल का हाथ जरूर होता है उनके सक्सेस के पीछे, डॉक्टर लता तिवानी जी ने भी यहाँ पर बहुत सारी सेवाएं बहुत सालों तक दी हैं यहाँ पर, और हमेशा डॉक्टर रमेश जी का साथ दिया है ताकि वो जाके आगे पढ़कर आ सकें। आज भी वो हमेशा बाहर ही जाते रहते हैं बहुत सारे सेशंस लेने के लिए, कैंप्स लेने के लिए, और डॉक्टर लता तिवानी जी का हमेशा उनके लिए साथ रहता है। खुद भी वो आकर उनको मोटिवेट करते हैं कहीं पर, स्पेशली लेडीज़ के सेशंस लेने या सबके, तो वो हमेशा उनको प्रोत्साहित करती हैं। तो कृपया ज़ोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। पुष्प स्वागत, शब्दों से स्वागत के बाद, अब आज हम यहाँ क्यों पधारे सबको पता है, हमने 7 दिवस में बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें नई नई की हैं, तो हम भी जानना चाहते हैं कि आपने क्या सीखा है, क्या किया है, कैसा फील कर रहे हैं आप, चाहे आप वो अच्छा फील कर रहे हैं, चाहे आप वो बुरा फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी नई नई चीज़ें ही आपने की हैं ज़िंदगी में। घर पे हम कहते हैं कि हम व्रत रख रहे हैं, आज मंडे का फास्ट है, आज इसका फास्ट है, आज एकादशी का फास्ट है, लेकिन हम फास्ट से ज़्यादा फीस्टिंग करते हैं, हम व्रत रखने से ज़्यादा खाते हैं उस दिन तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें घर पे बनती है खाने के लिए, आप बनाएंगे आलू की चीज़ें, आप साबूदाने की खिचड़ी, लेकिन यहाँ आपको असली में पता चला होगा कि क्या होता है व्रत और उसके क्या होते हैं फ़ायदे। तो आपने जो न्यू डाइट सिस्टम में, जो अपक्वार आहार से अपने आप को स्वस्थ करने की नई जीवन कला जी है, सीखी है, उसके आपके क्या अनुभव रहे, क्या खट्टे मीठे अनुभव, कुछ भी चलेगा, आपका क्या अच्छा अनुभव रहा, क्या बुरा अनुभव रहा, आपको संक्षिप्त में 2 मिनट के अंदर हर एक को यहाँ पर आना है और उसे बताना है। मैं राजपाल सिंह चौहान, प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ IT एंड मैनेजमेंट में, और जैसा कि टाइम बहुत बाउंडेड है
मैं उतने में अपनी बात पूरी करना चाहूँगा, नहीं तो मेरे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मेरा प्रोफेशन ही बोलना है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस थोड़े से बताना चाहूँगा कि मैंने लगभग 20-22 साल के बाद में आज 48 साल की रेंज में वो सभी बीमारियों को मैंने अनुभव किया है, जिनकी वजह से मैंने बहुत कुछ अपना ये पीरियड में खोया। पिछले 3-3.5 साल पहले मेरे को थोड़ा सा नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी हुई, तो मैंने इस फील्ड में एंट्री किया और उसके बाद आज तक का सफ़र मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं चलता गया आगे। आज भी मेरे को, मैं कल अर्जुन सर से डिस्कस कर रहा था, 3 महीने की मैं प्रॉब्लम आपको केवल शेयर करना चाहूँगा, टाइम बहुत लिमिटेड है, इसलिए 3-4 महीने में मेरे को 3 बार इतनी जबरदस्त ब्लीडिंग हुई कि 350-400 ग्राम की रेंज तक में भी बढ़ रहा होगा, जिसे लास्ट मैंने कहा डॉक्टर को मैं कैसे दिखाऊं, क्या प्रूव करूं, मेरे दिमाग में आया तो फिर मैंने उसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, तो शायद उसे देख के कोई भी बंदा डर जाए कि इतना ज़्यादा ब्लड। फिर मैंने रिपोर्ट्स भी कराई और जो स्कैनिंग वगैरह होती वो भी हुई, किसी में कुछ नहीं आया। नेचुरोपैथी को मैं पूरी तरह फॉलो करता रहा, लेकिन ये पीरियड मेरे लिए बड़ा कष्टदायक भी रहा और डरावना भी रहा कि इतना ब्लड अगर बॉडी से आ रहा है तो क्या कारण हो सकता है, लेकिन उसका कारण पता नहीं लगा। और अब मैंने जब से यहाँ से संपर्क किया आप लोगों से, इस आरोग्य केंद्र से मेरा संपर्क हुआ, अभी पिछले महीने में यहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, उसमें मैं पहली बार इस ग्रुप के संपर्क में आया और मैंने देखा कि इस ग्रुप में वो चीज़ है जिसके लिए शायद मैं बहुत लंबे समय से भटक रहा था और तमाम जगह पर देख रहा था, क्योंकि केवल पैसे से स्वास्थ्य को नहीं खरीदा जा सकता। इनकी जो तपस्या है, संत हृदय राम जी का जो आशीर्वाद है, वो मेरे ख्याल में स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इस पीरियड में मेरे जो सबसे अच्छे अनुभव रहे, वो मैंने देखा कि बीमारियों का इलाज करने के लिए डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन बीमारियों के साथ में बीमारियाँ ना हों और किस तरीके से हम स्वस्थ रह पाएँ, इन चीज़ों के लिए अगर कोई समर्पित भाव से, सेवा भाव से अपने ज्ञान को बड़े सरल तरीके से आपको देखे और आपको इस बात के लिए और ट्रेंड करे कि आप केवल यहीं पर नहीं, आप जाएं और लोगों को भी, और आप जो बीमार हैं उन्हें स्वस्थ बनाएं, ये एक स्प्रिट सबसे बड़ी है। कोई भी डॉक्टर आपको 2-3 मिनट का टाइम नहीं देता, 500-700 रुपये अपनी फीस लेके आगे बढ़ाता है, और यहाँ पे इस हफ्ते भर में जो हमने सीखा है, मैंने जब पिछली बार भी आया था तो मैंने उस कार्यक्रम में जो यहाँ का अरेंजमेंट देखा, आप लोग शायद यकीन नहीं कर पाएंगे, इतना अच्छा अरेंजमेंट मेरे ख्याल में कोई अपनी बेटी की शादी में भी नहीं कर पाएगा, जितना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे था। रेलवे स्टेशन से रिसीव करने के साथ में वहाँ बुके के साथ में रिसीव, और फिर यहाँ पे खाना इतना बेस्ट कि शायद ये तो हमारा लोगों का रोगियों का शिविर था, अगर उसमें जिस किसी ने अटेंड किया होता तो व्यवस्थाएँ बहुत टॉप थी, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वास्तव में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के बारे में मैं यहाँ से इंस्पिरेट हुआ और मेरे मन में बहुत पहले से था कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, और डॉक्टर बनना मेरा सपना था बचपन से, नहीं बन पाया, मैं बड़ा कष्ट में था, लेकिन मेरे को लगा कि शायद प्रकृति ने मेरे लिए कुछ और सोच रखा है और वो अब फलित होने लगा है। यहाँ से जाने के बाद आप लोगों के आशीर्वाद से मैनपुरी में मैंने एक आश्रम में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्टार्ट किया, और जैसा मैंने बताया मेरी रिसर्च भी 3-3.5 साल से चल रही है, मैंने बहुत स्टडी ऑलरेडी पहले भी कर रखी है, अभी डिग्री डिप्लोमाज भी काफ़ी कुछ इकट्ठे कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, और उसमें मैंने फ्री कंसल्टेंसी स्टार्ट की, उसके साथ मैं पहला कैंप कुछ दिनों में लगाने वाला हूँ और वो एब्सोल्युटली फ्री होगा, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री होगा, और उसमें मैं समझता हूँ हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर रमेश जी और आपकी पूरी टीम इस आरोग्य केंद्र और हॉस्पिटल से, इनका मेरे ऊपर हाथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, एक वहाँ पे नई शुरुआत मैं कर पाऊँगा। मैंने जिस तरीके से जाना है, अर्जुन जी ने बताया, आपने बताया कि किस तरीके से संत हृदय राम जी यहाँ पे आए और कितने छोटे स्तर पे एक आरोग्य केंद्र की कल्पना की शुरुआत करी और आज जो इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा हुआ है, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं समझता हूँ मैनपुरी भी मैं एक ऐसी जगह बनाऊँगा जहाँ पे जिसकी एक पहचान होगी, और जहाँ पे मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी यही करूँगा, निःशुल्क काम करूँ, और मैं देखता हूँ मेरे पास में इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं कि मैं नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने प्रयास किया, उद्घाटन किया, उसमें मैंने बात रखी कि डायबिटीज़ पे मैंने एक बुक लिखी है और उस बुक को मैं पब्लिश करवाना चाहता हूँ, एक हाथ उठा, उस पर जितना खर्चा हो वो मेरी तरफ से। दूसरा, मैंने कहा मेरा विचार है कि मैं इसे बिल्कुल फ्री रखूँ और थोड़े दिनों मैं एक कैंप आयोजित करना चाहता हूँ, फ्री ट्रीटमेंट होगा, खाना पीना फ्री होगा, एक हाथ उठा, कैंप का सारा खर्चा मेरी तरफ से।
इससे ज़्यादा मेरे को और क्या चाहिए। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ और मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ का दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। एक अगर टाइम शायद ज़्यादा हो चुका होगा, एक मिनट में मैं एक बात और पूरी करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो जैसा मैडम ने कहा, ये भी बड़े मतलब उसकी बात है अपने आप में हौसले और बुलंदी की, कि कमियाँ भी सामने रखें। कमियाँ आमतौर पर कोई सुनना नहीं चाहता। मैं कमी शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन एक एड इन शब्द इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे इन प्रोग्राम में। 8 दिन में एक चीज़ का अगर आभास और थोड़ा सा दे दिया जाए तो मेरे को लगता है ये अपने आप में पूरी तरह कंप्लीट होगा। डॉक्टर भी मानते हैं और सब लोग जानते हैं कि हमारी बीमारियों का 80% कारण शारीरिक नहीं है, मानसिक है। उन मानसिक बीमारियों का कारण अगर शरीर से नहीं है तो उनका उपचार भी शरीर से और दवाइयों से हो पाना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें उसी मानसिक स्थिति को दूर करने के लिए अध्यात्म की ओर जाना पड़ेगा, जहाँ पे 5वां तत्व शुरू होता है और वो 5वां तत्व आकाश है। हमारे शरीर की जो संरचना है, केवल रामचरितमानस के जैसा कि यहाँ बताया गया, रामचरितमानस का सबसे ज़्यादा प्रेरणा रही है, उसमें जो दो दोहे हैं, छितजल पावक गगन समीरा और दूसरा है बड़ भाग मानस तन पावा, और सभी ग्रंथों ने इसका वर्णन किया है। अगर ये सत्य है कि बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य शरीर, तो आज पूरी विश्व की मानवता इतने कष्ट में क्यों है? एक भी आदमी स्वस्थ नहीं दिखाई देता, क्योंकि अगर वो शरीर से स्वस्थ है तो मन से स्वस्थ नहीं है। शरीर और मन की दोनों की स्वस्थता ही उसको संपूर्ण स्वस्थ बनाएगी, और मन की स्वस्थता के लिए हमें अध्यात्म की ओर थोड़ा सा जाना पड़ेगा। वो अगर टच इसमें दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में कंप्लीट होगा। और आप लोग अगर चाहें, इस प्रोग्राम को कंप्लीट होने बाद 1 घंटे का मेरे पास ऑडियो है, सुन के शायद आपको एक नया अनुभव होगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसे कर सकूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम प्रसन्ना नागपाल है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आई हूँ। बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वज़न बढ़ जाता है, मैं दिन भर बैठी रहती थी। और हम लोगों का जो एक अभी तक जो था कि सीधे सीधे सुबह खाना है वो राजा जैसा आहार वाला, ये यहाँ आके पूरा उल्टा कर दिया। पहले मैं भूखी रहती थी तो टेंशन होता था, अब मेरा वो टेंशन ख़त्म हो गया है कि मैं भूखी रह भी जाऊँगी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आया है। कोशिश करेंगे, यहाँ पे आके मेरा भी 2 किलो वज़न कम हुआ है, हल्का बहुत लग रहा है। आगे कोशिश करेंगे सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि यहाँ एक ऑरा है, उस ऑरे में तो हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कितना कर पाएंगे। ऑडियो वीडियो लेके जा रहे हैं, शायद आप लोगों के चेहरे देखते हुए और घर पे कर पाए, यही आशीर्वाद चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हरीश नागपाल है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं जब यहाँ आया था तो मेरा पेट बारा काफ़ी भारी भारी था, अब मेरे को इस समय बहुत रिलैक्स और बहुत हल्का सा महसूस हो रहा है, और मेरा वज़न भी 1 किलो कम हुआ है। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा सजेशन देने के लिए कि ऐसे केंद्र सब जगह, सब शहरों में होने चाहिए। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ग्वालियर में हो, इंदौर में हो, भोपाल में हो, तो मैंने सजेशन ये दिया है, बाकी सब देखते हैं कैसा क्या होता है। धन्यवाद। मेरा नाम नीलिमा जैन है और आई एम फ्रॉम इटावा यूपी, और यहाँ नेचुरोपैथी के बारे में मैं थोड़ा बहुत तो जानती थी, एक शिविर भी किया था, उसका बहुत बैड एक्सपीरियंस भी रहा, बट ये नेचुरोपैथी तो कुछ और ही है, जो सोचा था उसका बिल्कुल विरुद्ध विपरीत निकला। और एक बहुत बड़े समूह से मेरा मुलाकात हुई। पिछले 26 साल से मैं प्रॉब्लमेटिक स्थिति में हूँ, 30-30 गोलियाँ मेरी चलती थी। धरती बहन की जो स्थिति थी जब स्टेज पे उन्होंने बताया था तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यही स्टेज से मैं भी गुजरी हुई हूँ। सेम एक एक सब प्रॉब्लम्स यही थी। 600 ब्रूफेन मैं जो लेती थी वो एक दिन में 7 बार लेती थी। आज इस शिविर में मैं जब आई हूँ तो एक हफ्ता हुआ है, इसमें 4.25 किलो वज़न मेरा कम हुआ है। और जहाँ मेरा बॉडी स्टिफ रहती थी, एकदम जकड़ी रहती थी सुबह सुबह, मैं सुबह उठ नहीं पाती थी, आज मैं बैठ पा रही हूँ और स्पेशली घुटनों के बल बैठ पा रही हूँ, आज मैंने ये नोटिस किया। सबसे बड़ी बात इस शिविर की एक चीज़ लगी कि सम्यक आहार तो सभी कहते हैं और करते भी हैं, बट यहाँ पर जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मैं जो आई थी, ओशो विजन से मेरे को यहाँ मार्ग मिला, वहाँ पर डॉक्टर शैलेंद्र जैन हैं वाराणसी के, उन्होंने मुझे बताया था। मैं यहाँ पर आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर सूक्ष्म शरीर का भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है,
तो सही मायने में जो ज्ञान और साधना जो मिल रही है वो शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर की भी मिल रही है, वो मेरे को आज सही मायने में पता चला है। पिछले 4-5 साल से मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हूँ, उसकी भी प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन ये मेरे लिए डबल एक कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये बहुत सहायक बन रहा है कि मैं मेडिटेशंस में और उसमें जा पा रही हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की साफ सफाई, यहाँ के सब लोग मेरे लिए एक प्रेरणादायक तो है ही, बट एक शरीर का हिस्सा भी हो गए हैं। मैं कभी नहीं भूलूंगी, कोशिश करूंगी कि 2 महीने बाद फिर आ जाऊंगी और हर महीने ये कंटिन्यू करूंगी, मेरा वादा है आप लोगों से। थैंक यू सो मच। मेरी इस हंसी के पीछे इन लोगों का राज है कि आप सब लोग हैं, बहन की है। और बहुत बड़ी बात, आपको एक बात बताऊं, मैं 6 महीने से वीवी चौहान साहब को मैं यूट्यूब में सुनती थी, बट मुझे नहीं पता था कि नेचुरोपैथी के बहाने मुझे ये भी मिलेगा। ये बहुत स्ट्रेंज लगा जब मैं यहाँ आई और न्यू डाइट प्लान का मैंने देखा और समझा। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। तो मतलब मेरे को मिरेकल सरप्राइजेस मिल रहे हैं एक के बाद एक, और आगे मिलते जाएंगे। जितनी मेरी सहायता हो सके मैं आज शिविर को देती रहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को, मेरा नमस्कार। मैं अंजू बत्रा छिंदवाड़ा से MP से हूँ। मेरे को भी ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन और बैक पेन बहुत ज़्यादा, मेरी 3 जगह से डिस्क में गैप है। मैं घर में हर समय डिप्रेशन में पड़ी रहती थी। एक महीने में मैंने यूट्यूब में देखा डॉक्टर बीवी चौहान का, फिर मैंने सब पता किया कि कहाँ ये शिविर लगता है। ढूंढ ढूंढ के मैंने नंबर इधर उधर से कलेक्ट करके पता किया, फिर पता चला यहाँ, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ क्या होता है, नेचुरोपैथी क्या चीज़ होती है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे लग रहा था कि मेरा पेन कम हो जाए, मेरा वेट कम हो जाए। यहाँ आई तो सब देखा, पता चला और महसूस किया, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ कि मैं सोच रही हूँ छिंदवाड़ा जाके सबको जाके बोलूँ कि ऐसा करो तुम लोग सब। और मैं सर को भी सोची हूँ कि वहाँ पे बुलाऊँगी ज़रूर, और आपको देख के, धरती बहन को देख के, मैंने कहा मैं भी ऐसा ही बिल्कुल करूँगी कि जैसा उन्होंने किया बिल्कुल वैसा ही करूँगी, तो शायद मैं भी इतनी एक्टिव हो पाऊँगी। थैंक यू, बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छा मिला मुझे यहाँ पे, और पॉजिटिव हो गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं साहिल रामानी बालाघाट से हूँ। मुझे इस कैंप में आके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ की बहुत अच्छी हैं। यहाँ का फूड बहुत पावरफुल है, हमारी बॉडी में जो भी तकलीफ है उसको कवर करने के लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि गर्मियों की छुट्टी में कहीं बाहर घूमने ना जाके पहले यहाँ पे आएँ, पहले अपनी अपने आप को स्वस्थ करें, फिर बाद में आपको जहाँ घूमना है घूमिए। थैंक यू। हेमलता चौहान हूँ मैं। मेरी बच्ची 11 साल की थी, उनको डायबिटीज हो गई थी, और यहाँ बैरागढ़ में जब कुछ भी नहीं था, जियाराम प्राकृतिक चिकित्सा करके भोपाल में ट्रीटमेंट हम लोग उनको दिलाए। 1.5 महीने में सर ने इंसुलिन उसका बंद कर दिया था। साथ में लता मैम का भी काफ़ी सहयोग रहा, और रेखा टिवानी मैडम थी, वो हमसे, मैडम से मिलवाती थी, सर से मिलवाती थी। हम लोग उस टाइम पे बहुत परेशान थे, तो सर की वजह से मेरी बच्ची का इंसुलिन बंद हो गया और स्वस्थ हो गई मेरी बच्ची। थैंक यू। मैं मुकुंद वर्मा, छत्तीसगढ़ से। नेचुरोपैथी के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। 1 महीना पहले मेरे मित्र जो यहाँ शिविर का अटेंड करने गए थे, उन्होंने मुझे बताया, जब तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि रॉ फूड से और NDS से या न्यू डाइट सिस्टम से आदमी स्वस्थ रह सकता है, फिट रह सकता है। तो मुझे विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उत्सुकता थी, तो मैंने प्रोग्राम बनाया, अपनी पत्नी के साथ में यहाँ पर आया, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे डायबिटीज़ थी और मुझे BP थी और पेट की समस्या रहती थी। आज मेरी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं, अभी तक दवाई, मैं कोई दवाई नहीं लिया हूँ 4 दिन से। मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, अपना फिट महसूस कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में इसको मैं कंटिन्यू करूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जयश्री वर्मा, छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से। अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, मैं यहाँ आई थी, मेरे को थायराइड थे, वज़न थोड़े बढ़े हुए थे। यहाँ आके मैं ये इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी कि क्या होता है, और ये तो बिल्कुल नहीं जानती थी कि कच्चा सब्जी ऐसे खाया जा सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं जानती थी। ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ लगी मेरे को यहाँ पे।
तो अभी मेरा थायराइड भी ठीक है और वेट भी मेरा 4 किलो कम हो गया और धरती माँ को देख के तो और भी अच्छा लगता है मेरे को। मैं ऐसे वैसे से ब्यूटिशियन हूँ, पार्लर चलाती हूँ, पर लग रहा है जैसे मेरे को अपने पार्लर में भी कुछ कुछ ऐसा करना चाहिए। तो आगे मैं अपने डाइट पे भी ध्यान रखूँगी। बाकी धन्यवाद। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग, राधा स्वामी। मैं रेणु रामानी MP बालाघाट से हूँ। मेरे को थायराइड था और वेट ज़्यादा था, अभी रिड्यूस हो गया है 5 kg। और रॉ फूड तो जैसे ऐसे मिरेकल लग रहा है मेरे को, अब कुक फूड खा नहीं पाऊँगी ऐसे लग रहा है। फिर भी मैं 40 डेज कंटिन्यू करूँगी, बहुत अच्छा लगा, अल्टीमेट एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ का। 5 kg रिड्यूस हुआ है, मैं उसके लिए बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू सबको। मेरा नाम स्निग्धा सिंह है और मैं भोपाल से हूँ। प्रोफेशन मेरा असिस्टेंट मैनेजर एज अ वेंचर सिक्योरिटीज़ में है और मेरा वर्किंग बहुत टाइट होता है, 10 to 6 hours मुझे वर्किंग करना होता है, तो अपने लिए मुझे टाइम निकलता ही नहीं है। तो यहाँ पे आके मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ रॉ फूड के लिए, तो और उसके लिए जैसे कि धरती मैम ने कहा था ORS हमें फॉलो करना है, ओरिजिनल रीजनल एंड सीजनल, तो मैं यहाँ से जाने के बाद वही फॉलो करने वाली हूँ। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, सिर्फ अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना होता है। 2 lines में मैं ईजली ये कहना चाहती हूँ, मुश्किलों से जो ना घबराए, घबराती उससे मुश्किल है, मुश्किल से जो घबरा जाए उसका मुश्किल से निकलना मुश्किल है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम HS गुप्ता है और मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ, रिटायर्ड हूँ। सबसे पहले तो मैं धरती बहन का धन्यवाद कर दूँ कि इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मैं यहाँ आया हूँ। मैं रॉ फूड के बारे में जानता था पर कोई जगह ऐसी नहीं मिल रही थी जहाँ पे मैं इसे कुछ दिन कर सकूँ, क्यों मैं जानता था शुरू में गड़बड़ आएंगी, पर यहाँ आके सब इतना सहयोग मिला, मेरा सही हो गया। दरअसल ये सिर्फ एक फूड की ही बात नहीं, मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि इस समय हम उन्नति करते करते इस जगह पहुँच गए जो अगला हमारा कदम मौत की तरफ जा रहा है और बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। और भगवान के जैसे कहा था कि करोड़ों में से कोई एक आध चलता है, करोड़ों में से हम इतने लोग चले हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है और यही रास्ता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं और कोई तरीका नहीं, अदरवाइज सब समाप्त हो जाएगा। और इसे चलाते रहें, मैं अब इसे कंटिन्यू, अब तो मेरे जीवन का हिस्सा हो गया, चलता रहेगा। थैंक यू। नमस्कार जी, मेरा नाम द्रव्या गुप्ता है, मैं भी कुरुक्षेत्र से आई हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं लता बहन का और रमेश सर का सबका इतना हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। मुझे एक बार लता बहन का लेक्चर और सुनना था, जो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आके मेरा सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ कि मेरा हृदय बहुत खुला, यहाँ की जो सेवा भावना देख के मेरा हृदय बहुत खुला। शरीर तो जो है जैसा है चल रहा है, बस आप सबको बहुत बहुत नमन और धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमन और नमस्कार। मायसेल्फ ममता भाटिया, मैं रायपुर से आई हूँ। आई एम एन होम मेकर, मैं नानी भी हूँ और दादी भी हूँ। और मैं यहाँ मेनली इसके लिए आई हूँ, ओबेसिटी मेरा मेन प्रॉब्लम था, तो अभी यहाँ आई हूँ तो मेरा 5 kg वज़न कम हो गया है। आज मैंने वेट लिया अपना तो 5 kg हो गए हैं और इंचेस भी बहुत ज़्यादा लॉस हुए हैं। तो ये मेरा हो ही नहीं रहा था, मैं इतनी कोशिश कर रही थी, जिम जाती थी, फिर कितना जाएंगे, कंटिन्यूस कितना करेंगे, छोड़ती थी तो फिर वेट बढ़ जाता था, फिर मैं दुखी होती। मैंने कहा चलो तोंद भी उसी की होती है, तोंद से मैं बहुत दुखी थी अपने पेट से, तो मैंने कहा कि चलो एयर बैग्स भी उसी में होते हैं जो लग्जरियस गाड़ियाँ होती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ अगर अच्छी भावना रखे हो तो कोई ना कोई आपको जरिया मिल ही जाता है। तो मुझे मेरी समधन ने बताया कि उनकी बहू होके आई है लास्ट शिविर में और उनका इतना इतना 6-7 kg वज़न कम हुआ है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैंने कहा मैं बहुत ही लकी हूँ जो मैं यहाँ आई और ये शिविर का मैंने लाभ लिया, एंड सबको कोटि कोटि नमन। और यहाँ की सर्विस सेवा बहुत अच्छी है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी और सबको मोटिवेट भी करूँगी यहाँ आएँ और इस शिविर का लाभ लें, इस ट्रीटमेंट का। वेरी नाइस, वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, और आप सबको नमन। हाँ, मैं कन्हैया रीवा से, मैं सभी अपने को ट्रेवलर्स को प्रणाम करता हूँ। एक चीज़ है, इट्स रियली वेरी बोरिंग टू बी डिसिप्लिन्ड, तो मैं 1 मिनट ज़्यादा ले लूँगा। मैं भी उस सिली धारणा से प्रभावित था जो हम सब
कहीं ना कहीं प्रभावित हैं कि यू कैन परचेज एनीथिंग विद योर मनी. यहाँ आके मुझे लगता है कि मेरी धारणाएं टूटी. मुझे लगा कि नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते. 3 या 4 दिन पहले की बात है, आप सब लोग शायद घूमने गए हुए थे उस दिन, तो मेरे कुछ रिश्तेदार मिलने के लिए आए. मैं चाय पीने का बड़ा शौकीन हूँ, अभी भी 8 दिन में 4-5 बार चाय में पी के आया बाहर से. क्या है कि 100 साल जीने की कोई प्लानिंग नहीं है ना, थोड़ा सा कम भी चलेगा. तो वो चाय लेके आए मेरे लिए. नीचे काउंटर पे उनका वो थर्मस रखा लिया गया. मैं जब लौट के आया उनको छोड़ने के लिए, सी ऑफ करने के लिए जब आया, तो 2 डॉक्टर्स बैठी हुई थी और उन्होंने बड़े अधिकार पूर्वक मुझे कहा कि अंकल आप चाय नहीं पियेंगे, आप पैसों से नहीं खरीद सकते ये चीज़. मुझे लगा मेरी बेटी कहती है. चाय मैंने नहीं पी उसके बाद, वाकई नहीं पी. तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सेवा हमें यहाँ मिल रही है हम एक्सपेक्ट नहीं करते. रही बात आहार की, तो ओशो का सन्यासी हूँ, सम्यक ही चलता हूँ. बहुत ज़्यादा खाने और बिल्कुल ना खाने के बीच में ही कोई ना कोई मार्ग ईश्वर हमें दे देगा. और अपक्व आहार जो है वो, सच बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक पोर्शन उसका मैं रखूँगा अपने जीवन में. जैसा कि गुलाब सर ने बोला था कि आप दोपहर का टाइम जो है वो थोड़ा सा अपक्व आहार ले लीजिए, रात को आप जो भी खाना आप खाते हैं वो खा लीजिए. तो उसी को मैं फॉलो करूँगा. और ये जो एक तिकड़ी है रमेश सर, उनका एंथुजियाज्म, गुलाब उनका डेडिकेशन, और अर्जुन सर उनकी सिंप्लिसिटी, ये और कहीं मिलना बहुत मुश्किल है. ख़ास करके मैं यहाँ का पूरा स्टाफ जो भी है, जो डॉक्टर्स हैं, उनका कृतज्ञ हूँ. इतना अच्छा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी, इतना अच्छा, इतनी अच्छी सर्विस भी ना कहें उसे, इतनी अच्छी, इतने मित्रता, इतने मित्रवत, इतने ज़्यादा पोलाइटनेस मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी. ये सब चीज़ें हैं जो मैं सीख के जा रहा हूँ. स्वास्थ्य भी एक चीज़ है उसमें से, लेकिन ये सबक ज़्यादा बड़े हैं मेरे लिए. हाँ, मैं बीमारी की बात करूँ तो मुझे कोलन में ग्रैनुलेटिस है, और वो था और है, मुझे लगता है रहेगा भी, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं हूँ. शरीर जैसा है मेरे लिए ठीक था, अब थोड़ा ज़्यादा बेटर है. 4 किलो 4.5 किलो वेट भी लॉस कर लिया है, और इसी डाइट पे अगर चलूँगा या थोड़ा बहुत डाइट अपनी कंट्रोल में करूँगा तो मुझे लगता है कि मैं फिर भी 80 के आसपास आ जाऊँगा. मेरे लिए पर्याप्त है. थैंक्स. मैं राखी घनशानी रीवा से. मुझे कॉन्स्टिपेशन और गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हमेशा बॉडी फूली रहती थी. लेकिन जो मैंने 8 दिन में यहाँ का फॉलो किया है उससे मेरा 2.5 kg कम हुआ है, और ना ही अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है. यहाँ का जो साक्षी मसाज ये शिरोधार करती है, इतने प्यार से करती है, कहती आंटी उठो नींद आ गई आपको, और पूरा स्टाफ भावपूर्ण सेवा करता है. मैं भी यहाँ से कुछ यही सीख के जा रहा हूँ कि बुज़ुर्गों की, बड़ों का जो आदर करते भी हैं लेकिन और ज़्यादा करना सीखेंगे अपन, जो बड़ों को और ज़्यादा खुशी होगी. बस थैंक यू. मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से रमेश मोटवानी, आप सभी देवी आत्माओं का शत शत नमन करता हूँ. और मैं रेनल सेल कार्सिलोमा से का पेशेंट हूँ, और मैंने यहाँ आकर के 3 किलो वेट रिड्यूस किया है. और वाकई में नो डाउट जो यहाँ के स्टाफ का सेवा भावना है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. और हम लोगों को जो न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करवाया गया है उसमें भी कहीं भी कोई कमी नहीं लगी. ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोगों को कच्चा खाना नहीं खा रहे हैं, उस चीज़ की कहीं भी कमी नहीं लगी हम लोगों को कि उस चीज़ को हम लोग घर के खाने को मिस कर रहे हों. जी, बहुत अच्छा लगा. और जो यहाँ लोग सब लोग शिविर में आए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई. और ख़ास तौर से यहाँ जो उद्घोषिका हैं वो भी बहुत प्यारी है. सबसे पहले मैं ओम शांति, मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हूँ, माउंट आबू में है इसकी संस्था. मैं यूपी लखनऊ सीतापुर से आई हूँ. मेरा नाम बसंती जायसवाल है. मेरे फेफड़ों में भी थोड़ी दिक्कत थी और बीपी भी हाई रहता था,
तो यहाँ आकर के हमको बहुत खुशी हुई। मेरे समधी यहाँ आए थे, उन्होंने बताया वहाँ जा कर के देखिए, बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ आकर के हमको 2 किलो वज़न कम हुआ है और यहाँ खाने पीने की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि मैं घर से ये पता ही नहीं चला मैं रोटी खाई हूँ कि नहीं, रोटी भूल ही गई हूँ फिर के। और आप लोगों की सेवा और यहाँ के यानी सिस्टर और डॉक्टर लोगों की सेवा देख करके बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छी सेवा करते हैं। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्कार। जब मुझे यहाँ शिविर का पता लगा, मैं शिवराम जायसवाल सीतापुर यूपी से, जब मुझे यहाँ के शिविर का पता लगा तो मैं चला यहाँ आया। तो विभिन्न मतलब आशंकाएं मन में होती हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ कैसा माहौल होगा, कैसा इलाज होगा, एक अस्पताल में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर मुझे ऐसा मिला जैसे कि दूसरा घर हो। और अब जाते समय घर से बिछुड़ने जैसा जो लगता है माहौल, वही सा लग रहा है। और मुझे अस्थमा की बीमारी थी, बहुत पुराना अस्थमा पेशेंट हो, बिना दवाई के किसी दिन मैं रह नहीं पाता था। यहाँ आकर 2-3 दिन दवाई ली, उसके बाद मैंने दवाई नहीं ली, बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, सांस में तकलीफ भी नहीं हो रही है। और दूसरी प्रॉब्लम जो थी हमको स्किन डिजीज, मतलब जगह जगह रेशे उभर आते थे, तो उसमें मडवात के बाद वो सब गायब हो गए, जैसे जादू हो गया। तो यहाँ का माहौल जो है हमें मिला, घर जैसा माहौल मिला, खाने पीने का कोई कमी नहीं महसूस हो रही है। और घर पहुँचते ही यहाँ डॉक्टर लता तिवानी जी ने बताया कि एक संकल्प लेके जाइए, यहाँ का जो न्यू डाइट सिस्टम है 40 दिन का, जैसे हनुमान चालीसा होती है, शिव चालीसा होती है, दुर्गा चालीसा होती है, तो मैं एक संकल्प करके जा रहा हूँ कि इस नए सिस्टम को 40 दिन तक जरूर चलाऊँगा और आगे अन्य लोगों को भी प्रेरित करूँगा। ओम शांति। मंच पर आसीन सभी मेरे प्रियजन, सदन में आसीन सभी प्रियजनों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। मैं बीना चितलांगे अकोला महाराष्ट्र से, मेरी शादी को 35 साल हो चुके हैं 5 मार्च को, और तब उससे मैं इनकी वजह से मैं समाज सेवा में जुड़ी हुई हूँ। और ये तो बहुत ज़्यादा करते हैं, अभी भी मतलब वहाँ बस स्टैंड पे प्याऊ लगाते हैं और बहुत बड़ा मतलब आयोजन करते हैं और खुद अपने हाथ से 2-2, 3-3 घंटे पानी पिलाते हैं लोगों को। तो बड़ी खुशी होती है कि चलो गर्मी में किसी की आत्मा तृप्त हो रही है, किसी का भला हो रहा है, ये सब बातें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं आपको बता दूं, जब मेरी दूसरी डिलीवरी हुई थी, मुझे पाइल्स की तकलीफ हो गई थी, ब्लड की धार रुकती नहीं थी 2-2 घंटे, मतलब 3 साल मैंने इन्होंने मुझे कभी वो डॉक्टर को दिखा, कभी ये डॉक्टर को दिखा, पर आखिर मुझे फिर ऑपरेशन ही कराना पड़ा, फिर मैं ठीक हुई। और आपको बता दूं कि 4 साल पहले हमने श्री महावीर जी राजस्थान में हैं भरतपुर के पास, वहाँ पे नेचुरोपैथी हमने मतलब ये किया, उसको क्या कहते हैं, नेचुरोपैथी इलाज लिया हमने। तो वहाँ जाने के बाद में काफ़ी बहुत फर्क पड़ा, हम 10 दिन थे वहाँ तो 10 किलो वजन कम हुआ, शुगर मेरी 6 महीने बिल्कुल ठीक रही। फिर क्या हुआ, बेटे की सगाई हुई तो मिठाइयाँ बहुत आने लगी, तो मैं सबको बांटती थी वैसे, पर एक एक पीस टेस्ट कर लेती थी और मेरी शुगर बहुत बढ़ गई। तो डॉक्टर साहब बोले, तुमने मराठी डॉक्टर थे, तुम्ही औषध का बंद केलं हे तुम्हाला बंद नाही करायला पाहिजे, डायबिटीज की गोलियां तो लेते ही रहना चाहिए, बोले बंद नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा, और फिर अभी क्या हुआ, फिलहाल में जनवरी में इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, डॉक्टर का कहना था किसी कीड़े ने काट लिया, दवाखाने में एडमिट रहे, बहुत 3 सलाइन उसमें दवाइयाँ इंजेक्शन, महीना भर तक खूब महंगी से महंगी गोलियां खाएं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इनको याद आया कि जो जीवन लाल जी गांधी वो अकोला के हैं डॉक्टर साहब, जो वहाँ चिकित्सालय चलाते थे, आज वो हमारे पिता समान हैं उम्र उनकी, अब वो वहाँ से रिटायर हो चुके हैं। तो इन्होंने उनको फ़ोन लगाया कि मैं क्या करूं, तो बोले तू भोपाल चला जा। उन्होंने हमको इतनी अच्छी सलाह दी, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत थैंक्स जिंदगी भर कहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें भोपाल भेजा और इतना अच्छा मतलब लग रहा है यहाँ। मैं आपको बताऊँ, मेरा 4 किलो वज़न कम हो चुका है और इनको भी इतना अच्छा लग रहा है कि इतना अपनापन देखने को मिल रहा है कि कोई इतनी सेवा नहीं कर सकता जितनी अच्छी सेवा यहाँ हो रही है। और सोने पे सुहागा का काम आप धरती बहन ने किया है और आप सभी लोगों ने मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार मानती हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं अमृत रेलवानी अंबिकापुर जिला सरगुजा से आया हुआ हूँ। सर्वप्रथम तो मेरा सबको नमन है और द्वितीय एक सर्वप्रथम सुझाव है,
मैडम ने बोला था या हम लोगों ने भी महसूस किया कितना आत्मीय भरा व्यवहार यहाँ पे है। उसमें हम लोग को महिलाओं को तो छोड़िए, हम पुरुषों को भी लगा कि हमारा मैका है। इस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग जब जाते थे ना, जितना डाइट चाहे खाते थे सर, तो मेरे को लगता था मैडम कि मैं इतना प्रभावित हूँ यहाँ से, और फिर मैं डबल ले लेता हूँ मैं, और क्या, मेरे ख्याल से सब ले लेते थे ना, पर भाई साहब छुपा रहे हैं, मेरे छोटे भाई साहब छुपा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए हमको ना, मायका रहे लेकिन ऐसा लगे कि थोड़ा यहाँ भी बंधन है। तो द्वितीय मेरा ये अनुभव है कि मेरे को क्या शुगर, बीपी और नींद आना, इसके अलावा और भी कुछ हाथ कांपना समस्या थी, तो मेरे को शुगर बीपी में तो फायदा मिला है। इसके अलावा क्या है सर, मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता था, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है कि मैं आज 5 घंटे सोया, तालियां बजा। और इसके अलावा मेरा एक संकल्प भी है सर, आप लोग से मैं सीख के जा रहा हूँ कि पहले मैं क्या डालता जाता था, निकालता कम था, अब जो है ना निकालूंगा ज़्यादा, ऐसा ही ना, और डालूंगा कम। आप सबों से भी निवेदन है ये संकल्प ले लीजिए। मैं राजेश आर्य भोपाल से हूँ। यहाँ आने से पहले ट्रीटमेंट के लिए ही मैं बॉम्बे गया हुआ था, 15 दिन मैं बॉम्बे था और वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा। मेरे को अर्थराइटिस के कारण जगह जगह अलग अलग पेन होता था, हाथ बिल्कुल मुड़ने में भी वो था। हालांकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट बहुत सारे वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये उन्होंने बोल के आर इफेक्टिव निगेटिव ही आता था, उन्होंने बोल पर आपको है अर्थराइटिस ही। तो उसके बाद ये थोड़ा कम हुआ तो कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। वहाँ बॉम्बे में रहते हुए मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया यहाँ के लिए कि ये कैंप होने वाला है, तो तुरंत मैंने फ़ोन लगाया और हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि ये कैंप जो भी है अपने को मेरे को अटेंड करना ही है। यहाँ अटेंड करने के लिए जब मैं आया तो आने के बाद वाकई में मैं आश्चर्यचकित हो गया कि हम जो डाइट ले रहे थे न्यू डाइट प्लान के अनुसार जस्ट रिवर्स कर रहे थे हम लोग। सवेरे वही ज़्यादा खाना, ज़्यादा पराठे, पंजाबी लोग में होते हैं पराठे, दही और दूध, और रात को दूध कंपलसरी, यहाँ तो दूध टोटली बंद कर दिया। दो दिन पूरा जो जूस पर रखा, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। एक दिन रहते थे शाम को हैवी वही सिंघाड़े के पकोड़े और ये वो खाना चालू हो जाते थे, यहाँ 2 दिन में पता ही नहीं लगा जूस में हमने कैसे काटा, और न वीकनेस लगी न कुछ, बड़ा अच्छा लगता रहा, फील होता रहा, बहुत अच्छा फील हुआ। यहाँ की सेवा भावना और सबके स्माइलिंग फेस के साथ सेवा भावना, हम इनके बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। और मेरे को जो थोड़ा सा यहाँ बताया गया था पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, यहाँ मैंने बताया कि थोड़ा और बढ़ रहा है, और जब इन्होंने बताया कि अगर आपका ठीक हो रहा है तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा, तो मेरा हौसला और बुलंद हो गया कि यहाँ से मैं ज़रूर इसी फॉलो करने थोड़े टाइम फॉलो करूँगा तो ज़रूर ठीक हो जाऊँगा। और इसलिए मैं इन सबका बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सभी को नमस्कार, मैं भोपाल से रानी जेसवानी बोल रही हूँ। मैंने यहाँ पे काफ़ी पहले भी ट्रीटमेंट किया है, लेकिन अभी जो मैंने करवाया मेरा सोराइसिस काफ़ी ठीक हो रहा है। घुटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिर एक बार और शिविर अटेंड करूँगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। हरिओम सबको, मेरा नाम रुक्मणी है, कल्याण से आई हूँ महाराष्ट्र से, और मेरे को वेरिकोज था तो बहुत तकलीफ थी 8-10 साल से, अभी बहुत कम लग रहा है इधर, और इधर प्यार और सेवा में तो और कम हो गया है सबका सुन के। आध्यात्मिक भी ज्ञान बहुत मिल रहा है, स्वास्थ्य सही होगा तो आध्यात्मिक के तरफ भी जा सकेंगे ना, नहीं तो कैसे करेंगे कुछ, इसलिए बहुत अच्छा लगा। सबके प्यार भी बहुत अच्छा लगा सेवा। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सुधीर तनवानी उल्लासनगर से। सब लोग इतने सीरियस क्यों हो रखे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जब हमने प्लान किया था नेचुरोपैथी आने का, तो भाई और फैमिली रिवा से इस सेंटर में होके गए थे काफ़ी बार, तो हमारे यहाँ उर्ली वगैरह वहाँ ना जाके हमने यहाँ आने, बिकॉज उनका फीडबैक काफ़ी अच्छा था। तो काफ़ी अलग अलग थॉट्स थे क्योंकि लाइफ में पहली बार कोई ऐसा एक्सपीरियंस था, बट यहाँ पे आने के बाद एक्चुअली काफ़ी सारा सरप्राइज्ड हूँ मैं, और रादर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ। रमेश जी, अर्जुन जी, गुलाब जी, उनकी पूरी फैमिली का जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें, और जो सेल्फलेस सर्विस है
जिस तरह से मतलब जो एनर्जी ये लोग लगाते हैं, जो पैशनेट हैं ये सोशल सर्विस बोल दूं या दूसरों को ठीक करने के प्रति, और वो भी इतनी अच्छी यू नो नेचुरल तरीके से, आई थिंक थैंक यू सर। एंड यहाँ के सभी टीम मेंबर्स, साक्षी, आंचल, आई थिंक हमेशा हंसते ही रहते हैं। एंड वहाँ पे भी जो हमारे सेंटर में जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो मसाज करते हैं या जो भी ट्रीटमेंट्स करते हैं, आई थिंक वो भी शायद एम्प्लॉयज़ तो मुझे लगते नहीं हैं, वो भी इस फैमिली का एक हिस्सा लगते हैं और इतनी सेल्फलेसली और इतने प्यार से और इतने इन्वॉल्वमेंट से वो ट्रीटमेंट करते हैं, आई थिंक दैट्स अमेजिंग। आई थिंक थैंक्स टू ईच एंड एवरी मेम्बर। आई थिंक कुछ 160-170 लोगों का स्टाफ है यहाँ पे, तो उन सबको सिंसियर थैंक्स। एंड एक बार और है, एक छोटा सा सजेशन एंड वे फॉरवर्ड है, एक छोटा सा सजेशन ये है कि मेडिटेशन के सेशंस और शायद काफ़ी बेहतर हो सकते हैं, तो वो आई थिंक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक वे फॉरवर्ड मेरे लिए, टेक अवे जिसको बोलते हैं, वो ये है कि मैं सोचता हूँ कि हमेशा सोशल वर्क क्या करना चाहिए लाइफ में। तो यहाँ से आई थिंक इंस्पिरेशन लेके, मैंने ऑलरेडी रमेश जी से बात कर रखी है, तो जहाँ पे मैं रहता हूँ तो शायद इन फ्यूचर हम वहाँ पे भी एक इंस्टीट्यूट ऐसा सेटअप करेंगे। थैंक यू। नमस्ते सबको, मैं कृति दनवानी, उल्लासनगर, ये मेरे हस्बैंड ही थे। और मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। है सॉरी। मैं एक्चुअली प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ, बट मेरी गुड़िया के बाद मैं नहीं जाती हूँ प्रैक्टिस पे, घर पे ही हूँ, तो मुझे उसके बाद काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज आ गए। और अभी हाई बीपी का तो काफ़ी प्रॉब्लम था यहाँ पे, जब मेरे हस्बैंड ने यहाँ के लिए बताया तो मैं बिल्कुल रेडी नहीं हो रही थी आने के लिए, मैं नहीं चलूँगी। उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट करके मुझे यहाँ पे लाए। मैं बोल रही कच्चा आहार ये सब क्या होता है, मैं नहीं खा पाऊँगी, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं काफ़ी फूडी हूँ। तो अच्छा अच्छा बनाती भी हूँ और खाती भी हूँ। तो यहाँ पे आके लेकिन जो हमको फूड सर्व किया है बहुत अच्छा, अब मैं वो फूड बिल्कुल भूल गई हूँ और मैं जाके घर पे यही कंटिन्यू करने वाली हूँ बिल्कुल। और मुझे इतना, मैं जब यहाँ आई थी इतनी मेरे हाथों पैरों में स्वेलिंग थी और मैं सुबह को उठ नहीं पाती थी, मुझे बहुत चक्कर आते थे। तो ये बात जब मैंने गुलाब सर के साथ डिस्कस की, सर ने मुझे बोला आप 2 दिन के बाद मुझे रिजल्ट बताना, आप 2 दिन सिर्फ वेट कीजिए। 2 दिन के बाद बिल्कुल मैं सर के कैबिन में जाके बताने लगी कि सर मेरे चक्कर गुम हो गए हैं, मैं अच्छी खासी मस्त फ्रेश होके उठ रही हूँ, स्वेलिंग गुम हो गई है पूरी, मेरी बहुत इम्प्रूव हो गया। और यहाँ का स्टाफ टू गुड, सब बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साक्षी तो ऐसे हंसती हैं, उनको देख के ही हम लोग ठीक हो जाते हैं। शिवोदारा तो ऐसे कराती हैं, बस हो गया। सब पूरा स्टाफ इतना अच्छा है, सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, सब बहुत अच्छे हैं। थैंक्स टू ऑल फॉर द गाइडेंस, थैंक यू। अभी मेरी बेटी भी बताएगी। हेलो, मेरा नाम मेहर है, मैं उल्लासनगर से आई हूँ। और आचल दीदी और साक्षी दीदी और पूरी दीदी और आंटी मस्त है। खाली मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो नॉनवेज खाते हैं प्लीज़ नहीं खाएं, क्योंकि गॉड ने जानवर पैदा किए हैं, उनको भी जीने दो, क्योंकि उनको काटेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगता है। और अगर आपको काटें और अगले जन्म में अगर जानवर इंसान बने और आप जानवर बने तो आपको काटेंगे तो आपको कैसा लगेगा? थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार, स्टेज पर बैठे हुए सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। मैं मंजू रूसिया भोपाल से ही हूँ और मेरे हस्बैंड यहाँ 6 मंथ पहले आए हुए थे। उनको HLA-B27 बताया गया था, जिसके कारण डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और बोला था वो चल नहीं पाएंगे। आज दिन ये है कि वो बैडमिंटन खेलते हैं और उन्होंने मुझे इस शिविर में भेजा कि जाके पूरा सीख के आओ, क्योंकि वो मुझे प्रॉपर बता नहीं पाए थे। तो मैं यहाँ इस शिविर में सारा कुछ सीखने आई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ और आप लोग सभी लोगों को
यहाँ इंस्पायर करिए, भेजिए और सभी लोग ये शिविर ज्वाइन करके सब कुछ सीख के जाएं और स्वस्थ होके जाएं। थैंक यू। सभी को मेरा नमन। मैं बालाघाट से आई हूँ, कोमल आडवाणी। मेरे पैरों में बहुत तकलीफ थी, स्वेलिंग आती थी, नसें फूल जाती थी। मैंने बहुत सी दवाइयाँ की, जब तक दवाइयाँ लेते थे तब तक तो ठीक था, दवाइयाँ नहीं लो तो फिर वही प्रॉब्लम आता। और मेरे बैक पेन, मतलब सोती थी रात को तो मेरी पीठ बहुत दर्द करती थी और मुझे नींद भी नहीं आती कंटिन्यू। तो कई सालों से मैंने 5 घंटे नींद नहीं की होंगी। बीच में मेरी नींद खुलती थी, कभी टाइम देखती तो 1 बजता है, कभी 2, कभी 3, मेरी 4-5 बार नींद खुलती थी रात भर में। तो जब से यहाँ शिरोधारा करवाया तब से मैं 3 दिन कंटिन्यू 5 घंटे नींद मेरी हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ, इतना रिलैक्स लगता है कि सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और अभी मेरे पैरों में भी दर्द नहीं है, मैं बहुत रिलीफ महसूस कर रही हूँ। और सभी का धन्यवाद, पूरे स्टाफ का धन्यवाद, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा तो शायद घर में भी कोई नहीं करता होगा। और सभी का, डॉक्टर्स लोगों का मेरा नमस्ते, उनको भी धन्यवाद। उपस्थित सभी मेरे अतिथिगण एवं भाइयों बहनों, सबको सादर नमस्कार। मैं भोपाल से हूँ, मेरा नाम खुशाली सिंह है। मेरी चाय पीने की इतनी हैबिट थी कि बिना चाय के रहा नहीं जाता था। अगर मैं सुबह की चाय 6 और 7 बजे के बीच में नहीं पीऊँ तो भयंकर हेडेक होने लगता था। ऐसे ही शाम को 4 से 5 के बीच चाय नहीं ली तो भयंकर सिरदर्द होता था। चाहे कहीं भी हूँ उस समय मुझे चाय चाहिए, नहीं तो भयंकर मेरा सिरदर्द होता था। तो मेरे मिस्टर ने यहाँ से 2 शिविर करके गए, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम भी जाओ। मैंने कहा पता नहीं कैसा लगेगा। वो घर जाके वो भी ग्रीन जूस और जूस बना के पीते थे, हमको भी देते थे, 1 ग्लास से ज़्यादा नहीं पिया जाता था, लेकिन बोले तुम चलो। और साथ में बिटिया को भी प्रेरित किया, बिटिया स्निग्धा सिंह, वो थायराइड के कारण उसका वेट बढ़ रहा था तो उसका अभी 5 kg लॉस हुआ। शिविर के 4-5 दिन पहले मैं डॉक्टर रमेश टेवानी जी से मिली और आनंद जी हैं, डॉक्टर आनंद जी, उनसे मिली। मैं, मेरे दामाद और मेरे मिस्टर आए, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का व्यवहार और इनने जो प्रेरणा दी वो बहुत अच्छा लगा। कहा आप अटेंड करके देखिए ये शिविर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ भी आकर मेरा पहले दिन सिर दर्द हुआ, लेकिन 2nd दिन से मेरा सिर दर्द बिल्कुल गायब हो गया, आज तक नहीं हुआ। और मुझे नींद नहीं आती थी, अब नींद भी आ रही है। और मेरी कमर में भी दर्द था, वो भी गायब हो गया। और यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, डॉक्टर लोग हैं, स्टाफ हैं, टीम वाले हैं, सब बहुत अच्छे से, अच्छे नेचर के हैं और सबके प्रति हंस हंस के अच्छे से इलाज करते हैं। और यहाँ की जो संस्था का खान पान, रहन सहन सब बहुत ही बढ़िया है और यहाँ बिल्कुल फैमिली मेम्बर जैसा है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि अपन बाहर आए हैं और मैं चाहूँगी घर में भी जाके इसी प्रकार का ये आहार और रसाहार वगैरह लेने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, अतिथियों को भी और यहाँ के जो साथी हैं हमारे सबको नमस्कार। मैं रीवा से दयाल दास दौलतानी, मेरी बिटिया वहाँ रहती है अंबिकापुर में, उन्होंने मेरे को यहाँ पे बोला कि आप वहाँ जाइए और वहाँ का माहौल देखिए अच्छा रहेगा, इसलिए मैं वहाँ से चला आया इधर रीवा से भोपाल। मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और जितनी बुराइयाँ हैं कम नहीं हैं उसको मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगा और जो अच्छाइयाँ यहाँ की हैं वो वहीं पर इस्तेमाल करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मोहिनी दौलतानी, मैं रीवा से आई हूँ। मेरे को बहुत हाथ पैर में बहुत अकड़न थी, अब यहाँ मैं आई हूँ वो सब बिल्कुल मेरा ठीक हो गया है। और मेरे को नींद नहीं आती थी, मेरे को अब नींद भी आती है। मेरी लड़की ने अंबिकापुर से बोला मम्मी आप भोपाल जाइए, मेरे देवर गए थे बहुत ठीक हो के आए हैं, आप भी जाइए आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमने अपने पति से बोला अब कुछ भी हो जाए हम लोग भोपाल चलेंगे। उनसे बोले हमने टिकट करवा लो, फिर करवाए, यहाँ आए तो हमको नहीं मिल रहा था नंबर, तो हम लोग सारा दिन यहाँ बैठे रहे, सवेरे से लेके सारा दिन बैठे रहे। फिर डॉक्टर रमेश ने बोला
कि आप यहाँ बैठिए, आपको मिल जाएगा यहाँ पर, जो नहीं आएंगे तो आपको मिल जाएगा। तभी हम लोग कोशिश करके यहाँ रात तक बैठे थे, हम लोग को मिल गया। बोले सीधा आश्रम में जाएंगे, हम लोग ने बोला हाँ ठीक है। अब वहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, हम लोग जाते हैं फिर गाड़ी आ जाती, हम लोग यहाँ आ जाते, कोई दिक्कत नहीं होती, और मेरे को बहुत फायदा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम किरण आडवाणी फ्रॉम बालाघाट, बाय प्रोफेशन आई एम आर्किटेक्ट। मेरी मेन प्रॉब्लम ओबेसिटी थी, मैंने बहुत बार जिम ज्वाइन किया, योगा क्लासेस किए, पर मेरा कभी भी वेट लूज नहीं हुआ, चार चार महीने हो जाते थे, और अभी 7 दिन में मेरा ऑलमोस्ट 2.5 kg लूज हो गया। तो वो बहुत मेन बात है कि हाँ मैं ये चीज़ कंटिन्यू कर सकती हूँ। और मेन चीज़ ये कि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सर से कि मेन जो हम लोग फिजिकल हेल्थ पे बहुत बात करते हैं, पर मेंटल जैसे चौहान अंकल ने कहा हम लोग नहीं करते, और कई बार मेन प्रॉब्लम वो हो जाती क्योंकि हम लोग अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग अपने फ्रेंड से डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो कैसे जज करेंगे, वो समझेंगे या नहीं समझेंगे, हम लोग सिर्फ यही सोचते रहते हैं। तो जैसे अर्जुन सर का जो लेक्चर मिस हो गया था, मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगले कैंप में 1 या 2 लेक्चर जो मेंटल हेल्थ पे होते हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए थोड़ा सा। और सेकेंड रिक्वेस्ट ये कि जैसे कि धरती मैम से भी लास्ट सेशन में बात हुई थी कि बच्चों के लिए एक स्पेशल कैंप रखे वेकेशंस में, क्योंकि जैसे मेहर और साहिल है वो बच्चे में ही है, जैसे वो लोग आए भले ही वो लोग इतना फॉलो नहीं करें पर एटलीस्ट वो लोग सुनेंगे, अभी नहीं तो जाके 2 साल बाद उन लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। तो जैसे वो लोग बाहर मोमोज खाते हैं, हम लोग कितना भी मना करेंगे वो नहीं मानेंगे, उनको कितना लॉस हो रहा है इस चीज़ से वो उनको पता नहीं पड़ेगा। तो एक स्पेशल कैंप बच्चों के लिए और 1 सेशन 2 सेशन मेंटल हेल्थ के लिए। लाइक थैंक यू, और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर दिनेश एंड डॉक्टर साक्षी, थैंक यू। हेलो, आई एम शैवाल, आई केम फ्रॉम अटलांटा USA। मैं तो 10 साल बाद वेकेशन मनाने आया था यहाँ पर, लेकिन मेरे पिताजी मुझे लेके आए यहाँ पर, एंड आई फाइंड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मैं को ये चांस मिला और मैंने अटेंड किया। एंड मुझे ओबेसिटी का प्रॉब्लम था और बट आई वुड से लाइक आई लॉस 6 kgs ऑन 4th day, बट उसके बाद 2-3 हमने खाना खाया तो वेट बढ़ गया। तो मतलब लग रहा है कि जूस पे ही रहा जाए वो बेस्ट है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द डॉक्टर्स, ऑल द स्टाफ मेम्बर्स एंड ऑल द इंटर्न्स जो सुबह से शाम तक काम कर रहे थे, थैंक यू सो मच, बाय बाय। नमस्कार, मैं सुनैना मोटवानी फैजाबाद अयोध्या से, और मुझे अर्थराइटिस थी और BP भी बढ़ा हुआ था, मुझे बहुत तकलीफ होती थी, घुटनों में भी दर्द रहता था, मुझे बहुत आराम है और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। हरिओम, सब संतों को, सब हमारे लिए भगवान हैं, पूरे जितने जो सब बैठे हैं सबको हरिओम। मेरा, मैं आशा मक्कड़ जबलपुर से, लेकिन अभी 1-2 महीने से भोपाल आ गई हूँ, तो मुझे यहाँ का वाइब्रेशन बहुत अच्छा लगा, यहाँ का स्टाफ तो इतना मुस्कुराता हुआ कि आधी बीमारी तो उनको देखते ही से ख़त्म हो जाती है। धरती बहन को तो देख के तो मुझे लगता है देखते ही रहे हैं इनको, बस और कहीं देखे ही नहीं इतनी मुस्कुराहट, इतना ग्लो, तो शायद ही भगवान ही है आप, पूरे भगवान, पूरे भगवान तो मुझको भी गठिया था और ये अभी साइटिका का पेन 1-2 महीने से उठा था, तो लड़की मेरी डॉक्टर है आयुर्वेद की, उसने इलाज किया, लेकिन मैं जबलपुर से यहाँ आ गई हूँ अभी भोपाल में, तो मेरा बढ़ गया यहाँ पर। तो अभी मैंने जो ट्रीटमेंट लिया है, थेरेपी वगैरह कराई है, तो कल तक तो हल्का था लेकिन आज बिल्कुल नहीं लग रहा है, खड़ी नहीं हो पा रही थी पर आज नहीं लग रहा है मेरे को दर्द, और वेट भी मेरा 2 किलो कम हुआ है, और यहाँ का वाइब्रेशन बहुत लग रहा है मेरे को, पॉजिटिव जैसे होता है ना, पॉजिटिव। कोई भी नहीं बोलता कि आप ठीक नहीं होंगे, सब बोलते नहीं आप हो जाएंगे और हो रहे हैं, और ये वाइब्रेशन हमें अपने ऊपर डालते ही रहती हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और सब रमेश सर का, दिनेश सर का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, इतनी सेवा इन लोगों से ली है, इनका ऋण हम चुका नहीं सकते हैं कभी भी, धन्यवाद। डायस पर बैठे हुए हमारे मुख्य अतिथि सभी और एक हमारा नया परिवार, सभी लोगों को नमस्कार। मैं ऐसे बहुत शिविरों में जाता रहता हूं और ऐसे बहुत सारे परिवार जुड़ते रहते हैं और बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूं। रही इस विधा की बात और यहां आने की बात, तो खेलते खेलते कंधे में खिंचाव आ गया था, उस कंधे को दर्द दूर करने के हिसाब से आया था, लेकिन मुझे मालूम था इस विधा के साथ चलूँगा और थोड़ा सा बाहरी सिकाई आदि करता रहूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, लेकिन फिर भी चला चलो मौका है, 8 दिन होके आते हैं आंतरिक रूप से सफाई करने के लिए।
रही बात चौहान साहब के साथ इस शिविर में, इसके पहले मैं 2-3-4 बार उनके शिविर भी, अंगूर के शिविर और अलग उनके शॉर्ट 2 दिन के जो शिविर होते रहते हैं वहाँ जाना होता रहता है सेवा के लिए, इस उसके लिए। लेकिन इस विधि को पूर्ण रूप से मैं घर पे भी नहीं अपना, पूर्ण रूप से नहीं अपना पा रहा हूँ, ना अपना पाता हूँ। उसका कारण कह दें, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, किसी तरह से बीमार नहीं हूँ, इस वजह से कह सकते हैं। हाँ, जब कभी ऐसी स्थिति आती है, कभी फीवर आया, कुछ आया, हालांकि ऐसी स्थिति साल डेढ़ साल में कभी एकाध बार आती है, तो निश्चित रूप से मैं केवल निर्जल को अपनाता हूँ। और उस विषय में रमेश सर से बात करता रहता हूँ, सर 2 दिन हो गए, क्या करूँ अब, लूँ कि नहीं लूँ? तो डॉक्टर साहब का कहना होता है कि नहीं लो, चल जाए तो अच्छा है, मत लो अभी और है, निकल जाएगा। तो उसके बाद भी, लेकिन घर में पत्नी मानती नहीं है, बना के रखती हैं खाना, मन के अच्छा बना दो, खा लेंगे उनकी संतुष्टि के लिए, वो खाना बना रखा रहता है, सुबह ही बनता है, शाम को बनता है, वो भी बिना खाए दिन निकल जाता है, और तीसरे दिन चौथे दिन बिल्कुल पूर्ण ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ बाहर आ जाते हैं। इस पैथी पर विश्वास इतना ज़्यादा हो गया है कि कल्पना नहीं की जा सकती। अब रही बात इसके अलावा, बार बार इन शिविरों में जाने और आने का उद्देश्य मेरा मानव सेवा के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति करना है। ये मार्ग भी मुझे नासिक में जो 6 दिन का शिविर किया था, जिसमें मैंने लगभग 50 घंटे का निर्जल उपवास किया था, आध्यात्मिक गहराइयों को पाने के लिए भी ये शिविर बहुत आवश्यक है। क्योंकि रोग शरीर से ना होके मन से बहुत ज़्यादा होते हैं, और मन से रोगों को, इससे तो शरीर स्वस्थ होता है, शरीर स्वस्थ होता है तो अपने आराम से मन की गहराइयों में जाके आप ऊपर पहुँच सकते हैं। तो ये 2 रास्ते हैं ऊपर जाने के, पूर्ण रूप से शरीर स्वस्थ हो तो मन होगा स्वस्थ और आप ऊपर पहुंचेंगे, या मन को डायरेक्ट ऊपर आएंगे तो मन का, अगर पूर्ण रूप से आप मन को स्वस्थ करेंगे तो भी आप डायरेक्ट ऊपर जा सकते हैं, शरीर अपने आप स्वस्थ होगा। लेकिन वो विधा काफ़ी लंबी है और जिसके परिणाम बहुत लंबे समय तक मिलते हैं, तो इसलिए बेटर है पहले शरीर को स्वस्थ करें, फिर मन को, मन स्वस्थ अपने आप होगा। इन सेवा भावनाओं से, इन वाइब्रेशंस में यहाँ रहने से अपने आप मन में अच्छी तरंगें मिलती हैं, अच्छे उद्गार प्राप्त होते हैं। तो निश्चित रूप से सभी दृष्टिकोण से ये विधा उत्तम है और सब लोगों को करनी चाहिए। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या कहें। मेरे छोटे भाई का होटल है काफ़ी बड़ा, वहाँ मैंने ग्रीन जूस स्टार्ट कर दिया है, वहाँ बार बार 2-2, 4-4 बार कह कह के वो रेसिपी स्टार्ट करा दी है, और रेसिपी में ऑलरेडी मेन्यू कार्ड में लिखा हुआ है ग्रीन जूस अवेलेबल, और उसका रेट ये है। और जो आता है पहली बार उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जाता है कि पहली बार आप फ्री ऑफ कॉस्ट लें, ठीक लगे तो रेसिपी ये ले जाएं बनाएं। क्योंकि बाहर के लोग काफ़ी, एक मैडम है कोई रायबरेली उत्तर प्रदेश से, वो नियमित रूप से आती हैं और उनने इसको काफ़ी वहाँ शुरुआत कर दी है। बोले यार ग्रीन जूस तो ये ऐसा लगता है जैसे अपने फुल्की का पानी हो, तो इस तरीके से वो, और भी लोग काफ़ी आते रहते हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी रहते हैं। तो कुल मिला के इसके प्रचार में लगा हुआ हूँ, बच्चे सब अपनी जगह सेटल्ड हैं, बस इस सेवा से जुड़ के रमेश सर के साथ जुड़ना चाहता हूँ, और पूरे विश्व में जब जो चाहिए तन मन और धन से सेवा करना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रभा शर्मा है, गाड़वारा से आई हूँ। मैं पति के कारण जुड़ी हुई हैं, और 2 किलो वेट कम हो गया है, और बीपी गोली तो अभी भी चलती है, शायद हो सकता है वो छूट जाएगी। हरिओम, आप सभी यहाँ पर उपस्थित सभी दिव्य आत्मा को मेरा सत नमन। मैं अर्चना निखरा भोपाल से। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही डरावना रहा है। मैं 7 साल से अर्थराइटिस, सीवियर अर्थराइटिस पेन से गुजर रही थी। कभी मेरा ये हाथ ऐसे ऐसे नीचे सीधा नहीं कर पाती थी मैं। नेक तक तो मेरा कभी पहुँचता नहीं था। एक बार क्या हुआ, मेरे घर में पूजन रखा हुआ था, तो मैंने अपने, ये मंजू रूसिया जी जो हैं उनके हस्बैंड थे, जो जिन्होंने ये शिविर अटेंड किया, वो मेरे घर आए हुए थे। जब उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आपको ये शिविर अटेंड करना चाहिए, और मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुका। उस समय मैंने उनकी बात पे ज़्यादा मतलब लाइटली लिया, उनको खूब अच्छे से नहीं वो किया, कि मैंने कहा जब इतना एलोपैथी वगैरह मैं दिल्ली तक का ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ और मुझे कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर नेचुरोपैथी से क्या होगा करके। और घर में तो ऑलरेडी मैं परहेज से ही चल रही थी, कोई कहता था खटाई मत खाओ, तो कोई कहता था ये खाओ, वो जो जैसा बोलता था मैं सब करती थी, लेकिन मुझे कोई भी पेन में रिलीफ नहीं था, वो कंटिन्यूस बना रहता था। एट लास्ट जब ये शिविर का टाइम हुआ तो उन्होंने मुझे फिर कॉल किया कि ये अर्चना तुमको जाने ही है इस शिविर में। तो मेरे हस्बैंड भी एग्री थे इसको कि इतना सब कुछ तो कर चुकी हो, एक बार और ये ट्राई करके देखो। इस प्रकार से मैं इस शिविर में आई, लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल अल्टीमेटली रहा, मुझे इतना रिलीफ मिला,
मेरा ये हाथ जो मैं ऊपर करके एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, ऐसे करती भी थी तो ऐसे 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 कांपता था और पूरा डायरेक्टली ऐसे सीधा नहीं कर पाती थी। आज मैं ये दोनों हाथ अपना ऐसे ऊपर करके आपको दिखा रही हूँ और करने के बाद ये नीचे, ये करने में मेरा हाथ ऐसा ऐसे पूरे ऐसे ऐसे होते रहते थे और लगता था कि कैसे करूँगी नीचे। मैं ये हाथ पकड़ के ऐसे नीचे करती थी फिर ये ऐसे करती थी, लेकिन आज यहाँ के जो थेरेपी से मुझे इतना रिलीफ मिला कि मैं बाकायदा ये आपको एक्सरसाइज करके दिखा पा रही हूँ। तो धन्यवाद मैं स्पेशली रमेश सर को देना चाहूँगी, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया हम लोगों को और यहाँ का स्टाफ भी बहुत स्माइलिंग के लविंग एंड केयरिंग है, जिसको देख के ही आधा रोग तो वैसे ही चला जाता है, लगता है हमें कुछ भी नहीं। जब मैं इंडियन स्पाइनल इंस्टीट्यूट दिल्ली में ट्रीटमेंट के लिए गई तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने इतना डराया कि आपका तो ये आर ए फैक्टर है, ये तो कभी जाएगा नहीं और आपको तो हमेशा परहेज से रहना होगा, ऐसा करना होगा। मैं अंदर से बहुत डर चुकी थी लेकिन अब मुझे यहाँ आके लगता है कि नहीं, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब मैं इसको एनडीएस सिस्टम को फॉलो करके काफ़ी ठीक हो सकती हूँ। तो थैंक यू मुझे रही नाई रहा है दिखाने के लिए धरती बहन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं गुरु महाराज के चरणों में अपना सादर नमन करती हूँ जिनके प्रयासों से आज ये बगिया फल फूल रही है और सभी बीमार यहाँ से ठीक हो के जा रहे हैं। और मैं राजस्थान जयपुर से हूँ और मैं रमेश सर का भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और मैडम लता जी का भी, जिनके प्रवचन से हम लोगों को इतना कुछ सीखने को मिला कि हम लोग ये सब जानते ही नहीं थे कि ऐसा भी सब कुछ होता है क्या। मेरे भी एडी के अंदर इतना पेन होता था, कमर में दर्द सब कुछ, तो सुबह उठते ही इतना दर्द कि पाँव पे धरती पे पाँव भी नहीं रख सकते थे। तो मेरी मौसी 15 दिन यहाँ पे रह के गई तो उनका सब 15 केजी वेट भी कम हो गया उनका और उनका जो घुटनों में दर्द था सब ठीक हो गया। तो उन्होंने मम्मी से बोला, दीदी के भी, मेरी दीदी जब वो भी बहुत बीमार हो गई थी अर्थराइटिस का, उनको प्रॉब्लम हो गया था कि उनके जो जॉइंट है बिल्कुल ही अकड़ गए थे। तो जब यहाँ पे आए तो सर ने देखा ही होगा कि उनको हम लोग पकड़ के ही लेके आए। आज 7 दिन में दीदी बिना पकड़े सब कुछ बिना खुद अपना ट्रीटमेंट करवा के खुद आ रही है जा रही है। सबसे बड़ा हमको ये बहुत फायदा हो गया और हमको तो शिविर का पता भी नहीं था। ये हमारा भाग्य है कि हमको हमारे भाग्य में जो मैम से सबसे मिलना लिखा हुआ था तो हमको इनके प्रवचन वगैरह सब सुनने को मिले। तो ये हमारा बहुत बहुत मतलब कि हम लोग आभारी हैं सर के। और मैंने अपनी लाइफ में ऐसे डॉक्टर देखे ही नहीं जो पेशेंट को इतना सिंपली मिलते हैं कि मतलब लगता ही नहीं है कि ये डॉक्टर इतने ज्ञान से भरे हुए हैं, इनके पास इतना ज्ञान है, लेकिन ये साधारण तरीके से हर पेशेंट के पास जाके उनकी प्रॉब्लम पूछते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं मिलता। तो मेरा भी यही आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी जहाँ जाएं आपके संपर्क में कोई भी पेशेंट आए तो प्लीज़ आप उनको ये बताएं कि यहाँ पे सब इतना लाभ होता है और एक यहाँ का जो स्टाफ है सबसे इतना अच्छे से मिलता जुलता है कि मतलब लगता है कि कहीं देखने को नहीं मिलता। आज तक कहीं अपन लोग जाते हैं कहीं हॉस्पिटल में गए पर इतना सब कहीं देखने को नहीं मिला। तो सबको मेरा नमस्ते, मेरी तरफ से सबको नमस्ते सच्चो सतरा। मैं यहाँ पे अपना वजन कम करने के लिए घुटनों के दर्द के कारण आई थी। घर में मैं नाश्ता नहीं खाती थी, रात को खाना नहीं खाती थी वजन कम हो जाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। फिर ये विद्या बहन की बहू आई थी यहाँ पे केंद्र में, उन्होंने बताया कि वहाँ कच्चा आहार वगैरह होता है वहाँ खाते हैं वजन कम हो जाता है। तो हम लोग चलो भाई देखते हैं कच्चा आहार क्या होता है। तो फिर यहाँ पे सब कच्चा आहार लेके इतने खुश हैं हम, इतनी इतनी चीज़ मिलती है कच्चे आहार में कि पके आहार से भी अच्छा लग रहा है। हमारा आज वजन 4 किलो कम हो गया है, घुटनों का दर्द भी कम है, आगे चल के हम ये कच्चा आहार खाएँ। आपका आशीर्वाद हो, नमस्ते। मैं यहाँ पर एक सजेशन अभी मेरे को लगा है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ तो अभी एक क्रिएट हुआ तुरंत, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो ट्रेनिंग सेशन और प्लस कॉम्पिटिशन्स कराती हैं। तो एनडीएस मिशन के नाम से ऑल ओवर इंडिया में हर शहर में ये मिशन चले और यहाँ पर कुकिंग ट्रेनिंग, रॉ फूड
ट्रेनिंग जो दो दो दिन का होता है वो करके और आखिरी दिन उसका कंपटीशन करा दिया जाए तो लोगों में क्रिएटिविटी रहेगी और बहुत जल्दी ये जागरूकता आगे बढ़ेगी। तो ये एक मिशन होना चाहिए। जहाँ तक मैं सोशल वर्कर हूँ मैं तो करूँगी, लेकिन होता है कि ना जब अपने अपने को बोलते घर की मुर्गी दाल बराबर वाली हिस्सा होता है, बहुत लोग विश्वास नहीं करते और मैं भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन यहाँ के मुझे एक सही मायने में मिशन मिला है। और रमेश सर ने तो कहा हुआ है कि अब आपको यहाँ से बेटा निकल के ना अब असली में जंग लड़नी है, तो मैं तो लड़ ही रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि हर दर्द जो 26 साल मैंने जो रोई हूँ ना, मेरे बच्चे कब इधर से इतने बड़े हो गए मैं जानती हूँ, खून के आंसू रोई हूँ मैं, लेकिन वो नहीं चाहती कि आज किसी के संग हो। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम राजेश पाठक है, मैं रेलवे में कार्यरत हूँ और जबलपुर में पदस्थ हूँ अभी। एनटीएस और उसके अनुभव से पहले मैं एक बात जो आप सबने बताई उसकी पुनरावृत्ति करना चाहता हूँ। बम्बई में जब आतंकवादी हमला हुआ था और होटल ताज में बड़ी दुर्घटना हुई, कई लोग मारे गए, उस घटना के बाद आज कई साल बीत गए लेकिन अब तक विश्व के बड़े बड़े संस्थाओं में, मैनेजमेंट कॉलेजेस में, हार्वर्ड में और भी बहुत सारे संस्थाओं में ताजमहल होटल के स्टाफ के ऊपर विशेष रूप से रिसर्च किया जा रहा है, क्योंकि उस आतंकवादी दुर्घटना के समय वहाँ का कोई स्टाफ वहाँ से बाहर नहीं गया, उन लोगों ने अपनी जान गंवा दी और जो बाहर थे वो भी चले आए और उन लोगों ने वहाँ के जो लोग रुके हुए थे उनकी मदद की। ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि ऐसा आखिर वहाँ की हवा में क्या बात है कि वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के सभी लोग इतने समर्पित हैं। मैं समझता हूँ ताज के बारे में इतनी बात होती है, हमारे इस संस्था के सारे लोग उससे कम समर्पित नहीं हैं, सभी उतने ही समर्पित हैं, सभी में उतना ही सेवा भाव है। और मैं वाकई ये एक बहुत ही बड़े आश्चर्य और अपने लिए भी एक सम्मान का विषय है कि हमारे देश में इस प्रकार की संस्था है, तो मैं आप सबको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे पिछले 35 साल से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की एक बीमारी है। वहाँ मैडम बैठी हैं, उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड यहाँ से ठीक होके गए थे। 35 सालों में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, एक समय ऐसा था कि मैं यूँ चलता था और उसके बाद अपने सेल्फ मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बदौलत मैंने अपने आप को काफ़ी ठीक कर लिया था, सारे काम करता था। लेकिन पिछले 2 साल पहले एक्सरसाइज के दौरान कुछ ऐसा नस में या पैर में कुछ खिंच गया कि उसके बाद से मेरा डिस्कम्फर्ट लेवल बड़ा बढ़ गया। मैं 1 महीने के लिए केरला में आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए भी गया और जितने प्रकार से सब कर सकता था सब मैंने किया, लेकिन वो डिस्कम्फर्ट मेरा बढ़ता ही चला जा रहा था। अचानक मेरी पत्नी, जो कि अभी मेरी बात आएगी, उन्होंने कभी यूट्यूब में देखा, एक मुजफ्फरनगर के डॉक्टर हैं जो MBBS MS हैं, उन्होंने कहा कि उनको ये बीमारी थी 40 साल से और उन्होंने न्यू डाइट सिस्टम फॉलो किया और 4th दिन उनका ठीक हो गया। मैं इतना मोटिवेट हुआ ये उनका ये वीडियो देख करके कि मैंने उसी दिन डॉक्टर चौहान के और न्यू डाइट सिस्टम से रिलेटेड दर्जनों क्लिप्स देखे, उसके बाद वो किताब डाउनलोड की, किताब पढ़ी और उसी दिन से मैंने घर पे चालू कर दिया। एक टाइम के पके आहार के साथ 15 दिन मैंने घर पे किया, मेरा 2.5 किलो वजन कम हुआ, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। फिर बड़ी आशा लेके मैं यहाँ आया, यहाँ भी 5-6-7 दिनों तक सभी लोग पूछते थे क्या हुआ क्या हुआ, और मुझे भी लगता था पता नहीं सबका कुछ हो ही जाता है, लेकिन मैं सोचता था अगर नहीं हो जो भी है मैं इसको आगे और फॉलो करूँगा। बहरहाल पिछले 2 दिनों से मुझे इसमें तकरीबन मैं समझता हूँ 15-20% की ऐसा मुझे पॉजिटिव इंडिकेशंस मिले हैं। इनफैक्ट कल शाम को मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बोलूँगा कि 10% मेरा सुधार हुआ है, रात में मैं सोया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसको 20% बोलने को तैयार हो गया हूँ। मैंने कल ही ये सोचा था कि मैं 40 दिन का ये भोजन करूँगा, कल पका भोजन था और डॉक्टर आनंद थे साथ में, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं इसको छोड़ देता हूँ, 40 दिन कर ही लेता हूँ, 1 दिन के लिए क्यों अपना वो ख़राब करूँ। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि जैसे बाकी लोगों पे ये विधि कार्यरत हुई है मुझे भी इसका लाभ मिलेगा
और आप सब ने बड़े अच्छे माहौल में एक दूसरे का साथ दे करके हंसी खुशी एक सामंजस्य भरे माहौल में इस शिविर में जितने लोग थे सबको एक दूसरे को मोटिवेट किया। दो दिन जूस पे रहना, मैं तो नकली व्रत करता था जिसमें इतने प्रकार के बाकी दिनों से ज़्यादा खाना व्रत के दिन में खा लेता था, और दूसरे दिन मैं जूस पे रह गया, मुझे खुद ही ऐसा लग रहा था जैसे मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया। तो ये हम सब के लिए उपलब्धि है। हम सब ने इस बात को जाना है कि हम सबके अंदर एक छुपी हुई शक्ति है, और ये जो खाने के प्रति आकर्षण है ये सिर्फ हमारे दिमाग में है, इसके बिना भी। और आप लोगों का मैं सुनता हूँ, आप मैडम आई उस दिन, आपने निर्जला व्रत किया था, मैंने घर पे फोन करके लोगों को बताया, आपकी मैंने एक फोटो खींची, फोटो भी भेजी लोगों को, मैंने कहा कि मैडम कह रही हैं कि निर्जला व्रत करी हुई हैं, और 15 मिनट तक तीन गानों में उन्होंने स्टेज पे डांस किया। हमारे यहाँ ये लोगों को एक दिन व्रत करना पड़ता निर्जला तो पूरे मोहल्ले में प्रचार होता, आज मैंने शाम तक व्रत किया। तो ये आप वाकई आपने एक ऐसी मिसाल दी है, और डॉक्टर साहब आपने आप ही निर्जला के साथ आपने लेक्चर दिए, तो देख करके लगता है कि शायद हम लोग भी कर लेंगे। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नमस्कार, मैं सरिता पाठक जबलपुर से, और वैसे तो बेसिकली मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। मुझे कुछ मतलब बहुत प्रॉब्लम, लेकिन इन पिछले दो महीनों से मुझे भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, जैसे पीठ में दर्द, थोड़ा सा सर्वाइकल जैसा लग रहा था, इधर लेफ्ट लेग में थाइज के पास थोड़ा पेन हो, थोड़ा क्या अच्छा खासा पेन था, और गैस की प्रॉब्लम थी, वो पुरानी थी। पर मैंने कहा जब हम आए हैं तो हम भी इसका लाभ लें, तो मैंने भी अपना ट्रीटमेंट पूरी तरह से लिया, और मेरे तो पीछे बैक का जो पेन है वो पूरी तरह से बिल्कुल ही, मतलब अभी फ़िलहाल अभी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कोई पेन है। थाइज़ में 70% कहेंगे कि काफ़ी मतलब मुझे लाभ मिला है, और गैस में मुझे अंदर से बहुत हल्का लग रहा है, क्योंकि डाइट भी हम इतनी अच्छी ले रहे हैं और ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, तो मुझे थोड़ी बहुत कभी कभी रात में सोते से मैं डकार आ रहा है, लेकिन वैसे अंदर से मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, और मेरा वेट जो है 2 या 2.25 kg के करीब कम हुआ है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से लगी थी, जॉगिंग करती हूँ, वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, जिम जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, उसके बावजूद भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अब कम होने लगा है, तो और भी होगा, क्योंकि हम इस डाइट सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं। और स्पेशली थैंक्स डॉक्टर रमेश सर और आप ये धरती बहन से, तो हम इतने प्रभावित हुए कि हम शायद पहले, मैंने यूट्यूब में बहुत सबका देखा हुआ है, डॉक्टर चौहान और आपका सबका देखा हुआ है, लेकिन एक जो प्रत्यक्ष में जो देखते हैं, सुनते हैं, मिलते हैं, उसका जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है उसका कुछ अलग होता है। तो इससे हम इतने प्रभावित हुए हैं कि हम शायद अपने बच्चों को भी मोटिवेट करें कि भैया तुम मिल्क प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत मुश्किल काम है बाहर रह के छोड़ना, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनको भी मोटिवेट करें कि बच्चों भाई मिल्क प्रोडक्ट तुम छोड़ दो, और अब देखते हैं, इसको प्लान करना पड़ेगा कि कैसे कैसे बच्चों में मोटिवेट करें। तो भाई बहुत बहुत थैंक्स आप सब लोगों को, और स्पेशल थैंक्स डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर सर्वेश्वर, भाई इतना टाइम देते हैं, बिल्कुल अपने सोने में से भी टाइम वो कट करके और हमें अपना सुझाव देते रहते हैं और बताते हैं कि आप आगे क्या करिए। तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और हमारे लेडीज वार्ड में वो हेमा दी हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से सबका ध्यान रखना, और बड़ी लविंग है, केयरिंग भी है। तो सारे स्टाफ सचमुच यहाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों के 7 दिन कैसे निकल गए पता भी नहीं चला, आज तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने फैमिली से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हम मिस करेंगे, और आप सब लोगों के लिए बहुत, और कोशिश करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट शिविर में या जब भी हो आके अगला ट्रीटमेंट अपने हस्बैंड के साथ लें। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार, मैं मैनपुरी से शिखा चौहान अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। मुझे करीब 10 साल से डायबिटीज़ था, और पैरों में बहुत दर्द रहता था, तो
यहाँ आकर जो ट्रीटमेंट लिया उससे मेरे पैरों का दर्द तो बिल्कुल गायब हो गया, वो दर्द बिल्कुल नहीं है और बॉडी भी बिल्कुल हल्की फील कर रही हूँ मैं। और यहाँ के स्टाफ में सभी का व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत ही लविंग है और सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी मेरा बहुत धन्यवाद। श्री मणि संत हृदाराम को मेरा नमन, भाऊ जी को मेरा नमन, मेरे सबको मेरा नमस्कार। मैं यहाँ संत नगर में इसमें रहती हूँ, संत हृदाराम नगर में ही रहती हूँ। मेरे को शुगर, बीपी और कभी नींद नहीं आती थी, पूरे शरीर में इतनी तकलीफ थी। मैं हर जगह डॉक्टरों के पास गई, मेरे को कहीं से फ़ायदा नहीं होता। जब ये कच्चा खाना शुरू करा है अभी मेरे को कुछ, कभी नींद का तो पता ही नहीं चलता, मैं सोती हूँ तो नींद आ जाती। कभी गोली 12 महीने से नहीं लिया है, ना डॉक्टर के पास 12 महीने में गई हूँ। सब ही इतना फ़ायदा है, ये जूस पे रहती हूँ 2 दिन तो इतना शरीर हल्का रहता है, तो पता नहीं चलता तो मेरी इतनी उम्र है तो मैं कैसे चलूँगी। धन्यवाद। मेरा नाम प्रकाश इतलांगे, अकोला से आया हुआ हूँ मैं। नेचुरोपैथिक से पहले भी मैं कई दफ़े जाके आया हुआ हूँ, मगर यहाँ का जो ट्रीटमेंट और जितनी सेवा मिली शायद कहीं मुझे मिली नहीं। मेरे पैरों में दर्द रहता था, वजन ज़्यादा था और मेरे बच्चे हरदम बोलते थे बेटा पापा वजन कम करो, वजन कम करो। तो मैं बोलता था नेचुरोपैथिक में जाऊँगा उस दिन वजन कम हो जाएगा, अभी जितना खाना है उतना खाने, तो बोनस के दिन है, जितने निकल जाए उतने अच्छे हैं। फिर उन्होंने जब मैं, मेरे गांधी जी थे डॉक्टर गांधी नेचुरोपैथिक के चलाते थे, उन्होंने मेरे को बोले थे कि तू एक काम कर कहीं मत जा। मैं उनको बोला था मैं जिंदल में जाता, बोले नहीं जिंदल में नहीं जाने का है, भोपाल जा। एक दफ़े भोपाल जाएंगा तो सब मालूम हो जाएगा, उसके बाद जहाँ जाना है देखो वहाँ जाना। बोला ठीक है। मैंने मिसेस को बोला, मिसेस तो मेरे को बोले कभी भी कहीं तुम जाओगे वहाँ मैं जाने को तैयार हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ आया, रमेश सेठ से बात किया था, सर से बात किया था, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोले तुम बेफिक्र है तू आ जा। मैं यहाँ आया, मुझे जो सेवा मिली उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं रमेश, डॉक्टर रमेश जी को कहना चाहता हूँ कि इतना स्टाफ आपके साथ में है, आप कहाँ के कहाँ निकल सकते हैं, क्योंकि समाज सेवा मैंने भी किया मगर पीछे सपोर्ट रह गया किसी वर्कर का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं के कहीं जा सकते हैं, संस्था कहीं के कहीं पहुँच सकती है। इसके लिए मैं सबको आशीर्वाद पाते हुए अपने शब्द खत्म करता हूँ। सतनाम साखी, सभी सर डॉक्टरों को मेरा नमन, नमस्ते। मैं विद्या उबरानी, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे को 23 साल से थायराइड, बीपी, शुगर सब थी, बहुत ही मतलब हॉस्पिटलों के बहुत सी वो करवाया, एकदम कोई भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। नेस्टविल में मेरी बहू आई, उन्होंने मेरे को भेजा यहाँ अभी, तो अभी यहाँ आके इतना मेरे को फ़ायदा है। सब मेरी टैबलेट पूरी टोटल बंद हो गई है, कोई टैबलेट नहीं ले रही हूँ आज की डेट में। मेरी पूरी बॉडी इतनी रिलैक्स लग रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सब स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, सब सेवा भाव से कर रहे हैं, इनकी सेवा कभी हम भूल नहीं सकेंगे। सबको मेरा सब नमस्ते। जय जिनेंद्र, मैं दीपा मेहता, टी नगर चेन्नई से। सबसे पहले थैंक्स मैं भगवान को दूंगी, उसके बाद चाचा जी को जिन्होंने यहाँ पे लेके आया मुझे, और अंकल से मिलवाया। वैसे अंकल तो आ चुके थे घर पे, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं। मैं प्रे कर रही थी कि मुझे प्रैक्टिकली जानना है, तो भगवान ने तुरंत चाचा जी को व्हाट्सअप कर दिया कि मुझे लेके जाना है, और मैं आ गई यहाँ पे। और इतना अच्छा लगा, पूरे 25 दिन रही, एक बार भी घर की याद नहीं आई, काम से बच गई इसलिए। और मेरा वेट 5.5 किलो लूज हुआ 25 दिनों में। इंच लॉस बहुत ज़्यादा है, 7 हिप से, 7 वेट से, वेस्ट से, और इतना लाइट फील कर रही हूँ। और क्या बताऊँ मैं, मुझे तो मेरे बड़े पापा जैसे मेरे रमेश अंकल मिल गए, और बड़े भैया जैसे आनंद भैया मिल गए। सच नहीं, अब सब चाचा जी हो, मेरे बड़े भाई नहीं है ना, तो और बड़े पापा भी नहीं है, सबसे पापा बड़े मेरे पापा ही हैं, तो बड़े पापा के जैसे रमेश अंकल और बड़े भैया के जैसे आनंद भैया मिल गए। इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, नहीं एग्जैक्टली शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं यहाँ पे। और कोई भी फॉरेन टूर करने से पहले यहाँ पे आके एक बार अपने लाइफ का, अपने हेल्थ का इन्वेस्टमेंट करके जाए,
इतना अच्छा फील करोगे, इतना लाइट फील करोगे कि फॉरेन का टूर कैंसिल करके यहीं पे रुके जाओ। और मेरी यही एक भगवान से यही एक प्रार्थना है, ये आरोग्य केंद्र दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और अगली बार मैं आपसे मिलूंगी तो और भी 5 किलो घट के मिलूंगी आपसे, और कुछ भी नहीं चाहिए। सबका प्यार बहुत मिला और यहाँ पे मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, मुझे तो मेरा बेस्ट फ्रेंड दिव्या दी मिले। दिव्या दी हाय, इतने अच्छे लगे ना, बस फैमिली तो कंप्लीट हो गई यहाँ पे आके। लव यू टू, थैंक यू। मैं पहले अमृत बन के आया था, अब पत्नी धर्म निभाते हुए अमृता बन के आया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा अमृत बरसाता हूँ, ठीक है। निर्जला में तेरा जलवा, उपवास में नजारा है, रसहार तेरा हमें प्यारा, फलहार हमें प्यारा है, फलहार हमें प्यारा है। सबको भाई शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और इसके अलावा सर वो रिपीट करूंगा कि मायका को कम से कम भायका बना दीजिए, क्योंकि घर में ऐसा जायका नहीं मिलेगा और यहाँ हमारे को ऐसा जायका मिलेगा तो फिर हमारा क्या होगा। ओके, परम पूज्य संत जी एवं समस्त भाई बहनों को मेरा प्रणाम। ऐसी संस्थाएं बिना किसी श्रद्धा के चल नहीं सकती, ये संत जी की आशीर्वाद एवं उनकी प्रेरणा एवं उनके प्रति श्रद्धा से ही ये संस्थाएं चल रही है। मेरा नाम हरि कृष्ण, फ्रॉम नागौर राजस्थान। और वजन घटने का तो अपना कोई विशेष बात नहीं है, नहीं कोई 2-1 किलो बढ़ा होगा, 2-1 किलो वापस कम हुआ होगा, ये सही चलता है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है। बाकी सारी व्यवस्था और नेचुरलपैथी की जो रेसिपी, नेचुरोपैथी की पद्धति यहाँ पर आकर के सीखी है वो अलौकिक है, और पहले ऐसा कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं था हमारे, न कोई ऐसी कहीं पढ़ी, तो यहाँ आकर के बहुत अच्छी चीज़ अच्छा लगा। सभी को परिवार की तरह रमेश जी भाई साहब ट्रीट करके सबको एक ही माला में पिरो के और साथ लेकर के सबको 6-7 दिन से चले, ये बहुत अच्छा हमको फील हुआ। इस तरह से प्रयास एक डॉक्टर कभी इतना नहीं करते, साइकोलॉजी स्तर पर और शारीरिक स्तर पर दोनों तरफ से इन्होंने कार्य किया। और बहन जी, धरती बहन जी का ये मेरा निवेदन है कि इनकी जो कुछ वार्ताएं हैं, वो कुछ रेसिपीज हैं, वो YouTube पर डाली जाए तो काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो सकता है, जो यहाँ नहीं आ पाते लेकिन उनको देख करके वो बना के सीख सकते हैं। एक यहाँ पर अपन योगा करते हैं, योगा के साथ साथ ध्यान भी रखा जाता है आधा घंटे का, तो अगर मैं निवेदन है कि यहाँ पर एक हार्टफुलनेस मेडिटेशन का इंटरनेशनल लेवल संस्था है, वो भी कराती है इंडिया में, और भोपाल में 15-20 प्रशिक्षक होंगे और फ्री ऑफ चार्ज कराते हैं, वो पैसे नहीं लेते, तो इस उसमें क्या हार्ट की सफाई हो जाती है। तो अगर इस तरह का आप अवलोकन करें इसमें आप, तो जाएं जानकारी लेकर के, और यहाँ फ्री में सेवाएं देने वाले मिल जाएंगे। तो आधी घंटा वो प्रोग्राम रखें तो एक ये स्पिरिचुअल सफाई भी हो जाएगी और शारीरिक तो खैर है ही, उसके साथ साथ दोनों तो कंप्लीट संस्था बन जाती है। बाकी धन्यवाद, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। एंड मेरे लिए ये बहुत लक की बात है कि मैं पहली बार तो यहाँ खड़ी हूँ, बिकॉज अगर आप 7 दिन पहले मुझे देखते तो मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। एंड अगर मैं यहाँ आज खड़ी हूँ तो सिर्फ 3 लोगों की वजह से खड़ी हूँ, वो हैं डॉक्टर रमेश, वाइट कपड़ों में आते हैं बिल्कुल वाइट एंजल की तरह। माई नेम इज़ दिव्या, आई एम फ्रॉम दिल्ली, एंड मैं यहाँ पर आई थी एक पर्पस से कि आई वॉज पुट ऑन मेडिकेशन, रॉन्गली पुट ऑन मेडिकेशन फॉर मेनी ईयर्स, तो मुझे अपनी दवाई छोड़नी है, और हम इसी पर्पस से यहाँ आए थे। और नेचुरोपैथी का मुझे ऑलरेडी आइडिया है, डॉक्टर सलीला तिवारी दिल्ली में हैं, उनका मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा डॉक्टर रमेश के पास। एकदम मैं ये नहीं कहूँगी कि वो उन्होंने मेरा बाप की तरह ख्याल रखा, क्योंकि वो भी कम है, उन्होंने माँ की तरह ख्याल रखा।
और अभी भी थोड़ा सा वीकनेस लगती है, यू नो माय हैंड्स आर स्टिल अ लिटिल वीक, बट आई फील वेरी गुड. उन्होंने और डॉक्टर आकाश ने और मेरी सिस्टर और सब लोग मुझसे यहाँ शिविर में पूछ रहे हैं कि आपकी बहन है क्या. हाँ, मेरी बहन ही है, क्योंकि बहन ही ऐसा कर सकती है. इन्होंने मुझे बाथरूम तक लेके गई. माय बॉडी हैड गॉन इनटू व्हाट इज़ कॉल्ड हीलिंग क्राइसिस. मैंने सुना था इसके बारे में. एंड हीलिंग क्राइसिस इज़ अक्यूट हीलिंग क्राइसिस. जैसे कि अक्यूट हमें डिजीज़ होती है, जैसे जुकाम खांसी, वो छोटे लेवल पे होती है. जब बॉडी पूरी तरीके से टॉक्सिन को फेंकने के लिए तैयार हो जाती है, उसका एक्चुअली बहुत बड़े लकी हैं अगर हमारे साथ ये ऐसा होता है, क्योंकि सालों का पॉइजन बाहर निकल रहा है. लेकिन जैसे कि गीता में भी देर इज़ यू नो अ शॉर्ट वर्स, आई एम सो सॉरी दिस इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग, जबकि सर ने बोला है कि शॉर्ट में करना है. मुझे बहुत सारे लोगों को थैंक यू भी बोलना है, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. और ये ज़रूरी है कि मैं बताऊँ कि हीलिंग क्राइसिस में क्या होता है, क्योंकि अगर किसी के साथ हो तो वो डॉक्टर का नाम ना ले, क्योंकि आपको वो सिचुएशन आएगी कि आप डॉक्टर का ही नाम लोगे कि मुझे अब तो मेडिसिन दे दो, अब मुझसे नहीं होता. लेकिन मैंने वो नाम नहीं लिया, क्योंकि आई थिंक नेचुरोपैथी करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक जिहादी दिमाग चाहिए कि एक आप इसमें आ गए तो इसमें आ गए, और कोई इसका तरीका नहीं है. जैसे कि किसी एक सर ने यहाँ बोला दैट दिस इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड एंड इट इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड, बट विदाउट देयर सपोर्ट मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे लगा उस दिन मेरी जान तो जाएगी. ओके, लेकिन मेरी जान नहीं जाएगी, क्योंकि ये लोग खड़े थे मेरे साथ. एंड हीलिंग क्राइसिस में बॉडी एकदम ख़त्म सी लगती है कि इट इज़ गोइंग टू गेट ओवर, बट सर ने ऐसे मुझे संभाला जैसे बच्चे को माँ संभालती है. मैं सच्ची बता रही हूँ, उस दिन अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ सर, डॉक्टर आकाश एंड माई सिस्टर ओवर हियर, दैट इज़ दी ओनली रीज़न आई एम स्टैंडिंग. एंड हीलिंग क्राइसिस अगर आपको होता है तो आप बहुत लकी हैं, लेकिन आपको लगेगा कि आप मर जाओगे, बट आप बहुत 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 लकी हैं, क्योंकि आपके सालों की टॉक्सिन एकदम बाहर फेंक रही है आपकी बॉडी. एंड आई केम आउट ऑफ दैट, एंड दी ओनली रीज़न आई केम आउट इज़ दैट हर किसी ने यहाँ मेरी इतनी अच्छे से सेवा की. यहाँ स्टाफ मेरे को खाना देने आता था, क्योंकि मैं वॉक तक नहीं कर पा रही थी, मैं लेट नहीं पा रही थी, सर ने मुझे उससे बाहर निकाला. सो आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर दैट. मुझे यहाँ इतना अच्छा परिवार मिला, यू नो माई ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फैमिली फ्रॉम चेन्नई, मतलब सब मुझे मिलने आए, चाचा जी तक आए, जबकि लेडीज वार्ड में तब अलाउड नहीं था, बट ही यू नो ही केम टिल आउटसाइड, दे गेव मी सो मच लव. गुप्ता परिवार, मतलब पता नहीं क्या कार्मिक कनेक्शन है, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड. एंड माई सिस्टर ओवर हियर, एंड सर तो डेफिनेटली ही इज माई मदर. डेफिनेटली मुझे यहाँ बहुत सारी माएँ मिली हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ देम. ईच एंड एवरी स्टाफ मेम्बर, मतलब मुझे जो खाना खिलाना आता था, हर कोई, मुझे लगता है मैंने कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि मुझे इतनी सेवा मिली. एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड यू नो टेक दिस फॉरवर्ड. एंड सलीला मैम का सो मच थैंक यू, संजी का सो मच थैंक यू, सर का इतना थैंक यू, पूरी तिवानी फैमिली का सो मच थैंक यू, थैंक यू सो मच. एंड आई नो आई एम काइंड ऑफ शिवरिंग बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डू दिस, बट ये मेरा नया जन्म है. एंड आई होप कि आप सबका नया जन्म हो. परिश्रम आता है, यू नो इट इज सात्विक हैप्पीनेस. इन गीता इट सेज दिस इज सात्विक हैप्पीनेस. पहले वो पॉइजन की तरह लगती है, लेकिन बाद में वो नेक्टर की तरह लगती है. तो वो पॉइजन अगर आप झेल सके, शायद वो फेंकने की ज़रूरत उस कंडीशन में आ जाए. बट नेवर 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 आस्क फॉर द डॉक्टर. इफ़ यू हैव कम टू दिस पाथ, यू आर ट्रूली ट्रूली ब्लेस्ड. थैंक यू एवरी वन जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर माई ब्यूटिफुल न्यू फैमिली. थैंक यू सो मच. से पहले सबको हरिओम. मैं दतिया से वर्षा गाबरा. सबसे पहले मेरे हस्बैंड यहाँ आए थे, उनको डिस्क की प्रॉब्लम थी और वो यहीं से ठीक हो गए. सेकंड टाइम आए, थर्ड टाइम, और अब इस बार फोर्थ टाइम हम अकेले आए हैं. सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं. सब यहाँ किसी न किसी मोटिव से ही आते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था. हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई हेल्थ इश्यू भी नहीं था, बस मन किया चले आए. पर यहाँ सबको जो भी मिला, लेकिन हमको जो मिला वो सर है, बस इससे ज़्यादा हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है. धन्यवाद.
और कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे? ऐसे कोई हैं जिनने नहीं किए हैं? जी असल में उस समय प्रेशर था कि जल्दी जाना है, औरों का भी नंबर आने वाला है। एक तो मैं सर यहाँ इस चीज़ से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, रोग तो दूर किया ही जाता है सब जगह, और वैसे रोग दूर नहीं किया जाता, रोग बढ़ाए जाते हैं, यहाँ रोग भी दूर किया गया है और मन से दिमाग से डॉक्टर बनाया गया बगैर डिग्री बगैर मेडिसिन के। वो चीज़ मैं कहने में थोड़ा भूल गया हूँ। और जो हमारे रमेश सर हैं वो पूरे समझ लीजिए कि संसार का रोग दूर करना चाहते हैं, और हमारी धरती बहन है वो पूरी समझ लीजिए संसार की माँ बन करके सबका रोग दूर करना चाहती हैं। और मुकेश जी से भी मैं बहुत प्रभावित हूँ, जो वाकई में उन्होंने मतलब जितना सपोर्ट किया धरती बहन के लिए वो समझ लीजिए कि प्रेरणा के स्रोत हैं। जी थैंक यू। मेरा सबका नमस्कार। रमेश भाई, मैडम और धरती बहन, पिछली बार मैं मार्च में अटेंड किया था प्रोग्राम, तो मेरा एकदम इच्छा हुई कि पुराने वाला एक्सपीरियंस, और हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था वहाँ पे मार्च आरोग्य केंद्र मार्च शिविर का, तो उसमें मेरे कुछ भाइयों ने मतलब अपने अपने सब ने शेयर किए हैं अपने जो एक्सपीरियंस, मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी और अपने बारे में भी कि क्या लाभ हुआ वो थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम बीबी अरोड़ा, भोपाल से हूँ। मेरा पिछली बार 10 से 17 तारीख को मैंने अटेंड किया था, और 17 तारीख से मेरा 5 तक वेट कम हुआ, वेट किलो, और बीपी नॉर्मल है। टैबलेट वगैरह बीपी तब से मैंने जब से शिविर में ली नहीं थी, क्योंकि एक दिन गलती से इन्होंने बोला था कि टैबलेट बंद मत करना, तो बीपी लो हो गया था। तब से फिर मैं रोज़ 2 दिन तक टेस्ट करवाता रहता हूँ, बीपी नॉर्मल चल रहा। और एक एसिडिटी की गोली मैं जो 1-2 दिन बाद छोड़ के खाता था वो भी मैंने तब से नहीं ली पिछले 10 मार्च से। और कोलेस्ट्रॉल ये अभी मैं रिपोर्ट सब करवाई है, मैंने सब टेस्ट करवाई है अभी, तो इसमें मेरा कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल है। थायराइड HB नॉर्मल 13.5% मेरा क्या होमोग्लोबिन। और मेरा मेन जो ओल्ड प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की थी वो थोड़ा सा अभी बनी हुई, क्योंकि 35 साल पुरानी थी, और मैं रोज़ एनिमा ले रहा हूँ उसी से मेरे को अभी हो रहा, तो धीरे धीरे हो सकता हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये रही मेरी, एक तो नी पेन थोड़ा स्टार्ट हुआ था वो अभी नहीं हो रहा, और मेरी वाइफ आजकल बहुत खुश है, कराटे लेने बंद हो गए बोल रही है मेरे को तो। और मैं अभी रॉ फूड ले रहा हूँ, और पहले मैंने सोचा था घर जाके 10-15 दिन चलेगा, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा मन को बनाया 1 महीना लूँगा 10 तारीख तक। फिर नवरात्रि शुरू हो गए तो मैंने 7 दिन नवरात्रि भी पूरे किए, वही निर्जला और थोड़ा थोड़ा मैडम ने बताया था, क्योंकि मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम थी तो मैडम ने बोला कि मेरे हस्बैंड को भी थी तो आप भी वही करो, तो अभी तक मैं कर रहा था। फिर 17 तारीख के मैंने एक दिन एक टाइम भोजन लेना शुरू किया पका, क्योंकि ऑफिस में भी सबके साथ बैठ जाता तो लंच में 2 रोटी लेता हूँ, बाकी टाइम मेरा वही रॉय चल रहा है मेरा मटीरियल, तो ये सब चीज़ें मेरी हैं। बाकी अब मेरा न्यू डाइट प्लान से धीरे धीरे मेरा जो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो एक रिपोर्ट जो थोड़ा गड़बड़ आई है सोनोग्राफी में थोड़ा थोड़ा, उसमें यूरिन का ये सब कब से रिलेटेड है मेरे के, जो थोड़ा सा पेट का यहाँ का प्रॉब्लम था, 2-3 चीज़ें हैं जो, तो वो सब हो सकता है। उम्मीद है मैं आपसे संपर्क में रहूँगा तो ठीक हो जाएंगी। और कुछ मैं शेयर, जो मेरा ये ग्रुप बनाया हुआ हमने आरोग्य शिविर मार्च 19, तो इसमें मेरे एक्सपीरियंस जो लोगों के आए हैं पिछले 4 दिन पहले से स्टार्ट किया मैंने, इसलिए एक राकेश जी थे जींद से, हरियाणा से आए थे, उनका वेट किला मेरे ख्याल 90-100 किलो के आसपास था, और वो मैडम जानती होंगी वो डायरी वाले थे, जो भैंस की डायरी, जिनका मतलब थोड़ा सा विरोध हो रहा था कि दूध के प्रोडक्ट बंद कैसे वो करें, तो उन्होंने सबसे लिखा लॉस्ट 14 kg अंटिल नाउ वेयरिंग द 2012 क्लॉथ्स विच वर स्टॉक्ड इन वार्डरोब, 2012 से कपड़े जो थे अब मैं पहन रहा हूँ वो वाला। अमेजिंग लाइफ स्टाइल, आई एम यंग अगेन थैंक्स टू आरोग्य केंद्र, आई एम लुकिंग मोर ब्यूटीफुल एंड मोर ग्लो ऑन माई फेस एवरी डे, बॉडी इज आस्किंग व्हाट यू हैव डन यूर सेल्फ। और ये एक परिवार आया था, सिंधी परिवार, शायद गोंदिया वगैरह सब मिला के 16 लोग आए थे, उन्होंने अपने परिवार के मेंबर के लिखे हैं, श्रीमती अंजू रमानी 71 बालाघाट, बिना दवाइयों के डायबिटीज़ पूरी तरह से कंट्रोल, नींद की दवाई बंद हो गई, अब बिना दवाई ले नींद आ जाती है, पेट साफ होने के लिए रोज़ दवाई लेनी पड़ती थी वो बंद हो गई। ज्योति आत्म रमानी 35 वर्धा, बिना दवाइयों के रोज़ किचन में खड़े नहीं हो पाती थी, सब दवाएँ बंद, अब बिना रेस्ट लिए भी दिन भर काम लगी रहती हूँ, ओवरवेट खत्म। लता विधवानी 56 वर्ष वर्धा, बिना रोज पेन किलर के घर में खड़ी नहीं हो सकती थी, अब वो पेन किलर बंद हो गई और शरीर ठीक होने लगा। सतीश रामानी 46 बालाघाट मध्य प्रदेश, ओवरवेट खत्म, पेट पूरा अंदर,
स्किन में अक्सर पपड़ी जमती थी, स्किन फटती रहती थी, मरहम लगानी पड़ती थी, बिना मरहम के स्किन फटना बंद हो गई। संजय रामानी 47 गोंदिया महाराष्ट्र, रोज़ 125 रुपए की गोलियां खानी पड़ती थी, डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए सब दवाइयां बंद हो गई, अब बिना दवाइयों के कंट्रोल हो गई। सुनीता रामानी 46 बालाघाट, 10 साल से हमेशा साल भर सर्दी जुकाम की दवाइयाँ लेती थी, सब दवाइयाँ बंद हो गई, बिना दवाइयों के सर्दी जुकाम 75% आराम। पूजा उभरानी 35 दुर्ग, वजन 10 किलो कम, मोटापा खत्म, पुराना माइग्रेन सिरदर्द बिना दवाइयों के खत्म। ये सब मेरे साथ मेरा परिवार और रिश्तेदार मिलकर 16 लोग साथ शिविर में आए थे। बाकी के नौ लोग 50% बस ठीक है, 50% फ़ायदा हुआ। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरी सुनीता रामानी को हुआ, क्योंकि किचन में उनकी ड्यूटी 75% कम हो गई है। मेरे घर में 44 दिनों से गैस नहीं जला, दूध वाला नहीं आया, तेल मैदा बेसन नकर शक्कर ख़त्म, सब यूज नहीं हुआ। सुमन का नी पेन फिनिश, फाकली डिस्टेंस, बॉडी फिटनेस सब ऐसा था। थैंक यू आरोग्य केंद्र। और एक बाकी सती आपके साथ पुराने हैं, एक सतीश अरोड़ा जी, वो उन्होंने पूरा अपना सुबह का लिखा है और बाद में सब अपना ये फ़ोटो भेजा अपना कि मेरा दिन का ये खाना है, दिन में ये जो रॉ फूड लेता हूँ ना, सब चटनी वटनी जो भी यहाँ पे खिलाते थे, और रात का भी उन्होंने अपना फ़ोटो भेजा है कि ये रात का भोजन, वो अभी तक यही ले रहे हैं सब। तो इन सब की तरफ से मेरा मतलब बहुत था कि चलो मैं आपके समक्ष अपना प्रस्तुत करूँ। थैंक यू, आपने टाइम दिया मेरे को, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक्सपीरियंस का इंसाइक्लोपीडिया होता है, ये एक्सपीरियंस का मोबाइल था व्हाट्सएप ग्रुप। तो किसी ने बहुत सही कहा था कि यहाँ पर सब इतना सीरियसली क्यों बैठे हैं, और बहुत सही वर्ड कहा गया है कि स्माइल इज़ अ कर्व विच एक्चुअली मेक्स एवरीथिंग स्ट्रेट। स्माइल एक ऐसा कर्व है जो सब कुछ ठीक कर देता है, सब कुछ। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, एंड स्पेशली लेडीज़ बहुत खर्चा करते हैं, आई मीन कहीं ना कहीं मेल्स को ये होता होगा कि आधा खर्चा तो मेरा पार्लर में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको रियली सुंदरता चाहिए, और जिस ग्लो की आप बात कर रहे हैं धरती बहन जी के लिए, वो ग्लो आप एक बार स्माइल करके अपने आप को कॉन्फिडेंटली मिरर में देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि ग्लो और स्माइल का कितना बड़ा रिलेशन है। तो अब हमारी स्माइल की एंजल धरती बहन जी को हम बुलाना चाहेंगे कि वो अपने अनुभव हम सबके सामने प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए धरती बहन जी। पूज्य संत जी, पूज्य भाऊ जी, पूज्य गुरु जी, आप सभी से विरार्थियों के चरणों में और यहाँ विराजमान सभी मेहमानों के चरणों में मेरे साष्टांग नमन। आप सब बड़े बेताब थे मेरा अनुभव सुनने के लिए, है ना? आज से 9 साल पहले अगर मेरी हालत देखी होती तो पता चलता, उछल उछल के मैं नाच रही थी ना, ये तो मेरा सपना था, मैं तो चल नहीं पाती थी। आपको आश्चर्य होगा कि मैं तो रोबोट की तरह चलती थी, ऐसे इठला इठला के चलती थी कि किसी को लगे कि पता नहीं ये कब मंजिल तक पहुंचेगी। और ये चमत्कार मेरे जीवन में जो किया वो पूज्य बीवी चौहान साहब ने किया है। मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया, वो प्रोफेसर थे, और चौहान साहब ने मुझे नया जन्म दिया, जीना सिखाया। जब माँ और बाप बेटी को जीना सिखाते हैं ना, तो उसका परिवार कभी अस्पताल नहीं जाता है। सच्ची शिक्षा वही है बेटी के लिए कि वो परिवार का तो ध्यान रखे, लेकिन एक ऐसी आदर्श गृहिणी बने, एक ऐसी अन्नपूर्णा बने कि जिस अन्न को खाके उसका परिवार कभी अस्पताल न जाए। ऐसी शिक्षा जो दी है हमारे पूज्य बीवी चौहान साहब ने, उनके लिए मैं कोटि कोटि हृदय से इतना नमन करती हूँ, इतना वंदन करती हूँ उनको कि सच अगर वो हमारी ज़िंदगी में नहीं आते तो परिवार को कैसे रखा जाता है वो मैं नहीं सीख पाती। स्वस्थ परिवार रखने के लिए अगर चौहान साहब जैसे पिताजी मिल जाए
तो सच में जीवन सफल हो जाए। चौहान साहब और सरोज बहन एक ऐसे माता पिता है पूरे वर्ल्ड के सबके माता पिता, तो उन्होंने जो हमें ज्ञान परोसा उन्हीं से आज मैं स्वस्थ हुई। बाकी मैंने भी 5 साल तक बहुत सारी दवाइयाँ खाई, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, घरगत्थू, नेचुरोपैथ, फिर अड़ोस पड़ोस में जो भी जिसे ने कहा वो निभाया किया, कोई फर्क नहीं। जब तक दवाई ली तब तक मैं जिंदा थी, बाकी तो चलता फिरता मुर्दा ही थी। क्योंकि जीवन में कोई सेवा नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, और हम खुद किसी पे बोझ रूप बन जाए, ऐसा जीवन जीवन नहीं है। हमारा जीवन प्रेरणादायी होना चाहिए, हमसे कोई प्रेरणा ले और उसका जीवन भी सुधरे, ऐसा जीवन मैं अपना बनाना चाहती थी। भगवान को खूब प्रेयर करती थी, सच्चे मन से की हुई प्रेयर परमात्मा जरूर सुनता है, और उसने हमें ये तप, सेवा और सुमिरन का मार्ग चौहान साहब के द्वारा दिया। सब कहते हैं कि सतयुग आएगा, एकदम से थोड़ा आएगा, परमात्मा बार बार जन्म लेते हैं सतयुग लाने के लिए। रामा अवतार, कृष्णा अवतार, सभी अवतार हुए, वैसे ही हमारे चौहान साहब एक परमात्मा स्वरूप अवतार ही है, वो अवतारी पुरुष है। तो हमारे भाऊजी भी कुछ कम नहीं है, वो भी हमारे भीष्म पितामह है, उन्होंने भी हमें बहुत संस्कार सिखाए। चौहान साहब ने जीना सिखाया, सात्विकता सिखाई, सात्विक आहार सिखाया, तो भाऊजी ने हमें संस्कार से परिवार को कैसे सींचा जाता है और कैसे परिवार में प्यार बांट के रहा जाता है, जितना प्यार बांटो उतना पाओ, तो ये सब हमने यहाँ इस संस्था में आके सीखा है। और हमारे रमेश जी और लता जी, पूछो ही मत, राधा और कृष्ण की जोड़ी है। सच में रमेश जी, उनसे जितना सीखो उतना कम है। प्रोजेक्टर से तो वो बहुत कुछ सिखा देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता, वो खुद एक जीता जागता प्रोजेक्टर है। उनसे हमने इतना सीखा कि बस हमेशा हर हाल में खुश रहो, किसी का दिल मत दुभाओ, सबको प्यार दो, कोई चाहे कैसा भी अपशब्द बोले, लेकिन उनके दिल से जो भावना निकलती है वो हमेशा प्यार भरी होती है। तो उनसे हमने सीखा कि सामने चाहे हमें प्रतिभाव कैसा भी मिले, हमें तो बस प्यार बांटना है। तो ऐसे हमारे कृष्ण हमारे ऐसे सारथी है जो सबको किसी भी किस्म की उससे अपेक्षा ना रखते हुए बस सबको ठीक करते रहते हैं और सबको प्यार बांटते रहते हैं। कभी उनको मैंने नाराज नहीं देखा, कभी उनके मुंह पे मैंने कोई ग्लानी नहीं देखी, बस प्रेम ही प्रेम। तो ऐसी प्यार की मूर्ति हमारे रमेश जी, उनका आभार में जितना मानो उतना कम है। हाँ, प्यार का सागर, सच में प्यार का सागर है वो, और वो ही मुझे यहाँ तक खींच के लाए हैं। ये सिस्टम जितनी पावरफुल है, उसको पावरफुल बनाने में रमेश जी का बहुत हाथ है, क्योंकि हर जगह जहाँ भी बुलाए खुद के खर्चे से जाते हैं, सोचते भी नहीं है कि टिकट में कैसा कितना पैसा जाता है, कुछ भी नहीं। अहमदाबाद जब भी सेमिनार होता है दिनेश भाई बुलाते हैं, खुशी खुशी दौड़े आते हैं, और कभी नहीं कहा कि आप टिकट करवा दो। जब भी बुलाओ बस परमेश्वर की तरह हाजिर हो जाते हैं। तो सच्चे दिल से जब भी हम उनको बुलाते हैं, सच में वो परमेश्वर है, इसीलिए वो तुरंत हाजिर हो जाते हैं। तो ये प्रथा भी हमारी ऐसी है, तप, सेवा और सुमिरन, त्रिसूत्री साधना। सच में ये
कहा जाए तो ये कोई रोग हटाने का मार्ग नहीं है, ये प्रभु के नज़दीक जाने का मार्ग है। इस सिस्टम में उपवास किया जाता है, उप यानी नज़दीक, वास यानी रहना, किसके? प्रभु के। तो ये सिस्टम करते करते आप प्रभु के बहुत नज़दीक हो जाते हो, इसीलिए परमात्मा आपके सारे रोग मिटा देता है। इस सिस्टम में इतना पावर है। तो ये सिस्टम कोई एक या दो दिन करने वाली सिस्टम नहीं है, ये एक नई जीवन शैली है, एक ऐसी नई जीवन शैली जो इंसान को इंसान बनाती है और ज़िंदगी भर के लिए निरोगी कर देती है। तो इस जीवन शैली को अपनाने के लिए अगर आप रेडी है, आप तैयार है, तो देखना आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। सिर्फ आपको थोड़ी सी भूख सहन करनी पड़ेगी, तो कोई भी दुख सहन नहीं करना पड़ेगा। सुबह का वक्त लंघनम परम औषधम सबको याद रखना है। घर पे जाके सीधे ब्रेकफास्ट के लिए रेडी मत हो जाना, बस इतना याद रखना कि सुबह का वक्त जो 12 बजे तक का वक्त है वो केवल रसाहार, फलाहार और रॉ फूड के लिए है, सबके लिए, प्रथा करता है या नहीं करता है। इतना मैसेज आप लेके जाओगे और पूरे परिवार में केवल इतना कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड, और बाकी न रहा जाए तो भले ना नेचुरोपैथी अपना ले 50-50, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो रोगी है उसे आप कंपलसरी ये NDS करवाना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक होने के बाद भले ना नेचुरोपैथी अपनाए तो भी वो जीवन भर निरोगी रह सकते हैं। ये मेरा नम्र निवेदन है कि आप यहाँ से जाके इसको 100% फॉलो करें ताकि आपको भी रिजल्ट मिले। अगली बार जब भी आप सेमिनार में आए तो आप भी रोल मॉडल होके आए, हमारी अच्छी इच्छा है। आप खुद ठीक हो जाओगे, और ऐसे सेमिनार अगर घर पे हम ये सिस्टम नहीं कर सकते तो ऐसे सेमिनार इसीलिए यहाँ पे हर महीने रखे जाते हैं। तो आप जब तक ठीक ना हो पूरी तरह से, तब तक आप ऐसे सेमिनार बार बार करते रहेंगे तो आपका चार्जिंग होता रहेगा, और आप भी स्वयं जिसकी खोज में इंसान आखिरी सांस तक घूमता है वो है आत्मा की खोज। कैसे होगी जबकि जीवन तो सेवा के बिना अधूरा है। तो तप, सेवा और सुमिरन, सुमिरन यानी ध्यान, उसके बिना जीवन अधूरा है। सत्संग भी होना चाहिए। ये सबका मिलन जब जीवन में होता है तब जीवन संपूर्ण तरह से खिलता है, और वो खिला हुआ जीवन ही फूल की तरह खिलता है और सब में खुशबू बांटता है। तो हमें भी अगर फूल की तरह खिलना है तो पहले स्वयं को, स्वयं की खोज करने के लिए हमें NDS अवश्य करना होगा। जब हम स्वयं की खोज कर पाएंगे कि हम किसके लिए बने हैं, परमात्मा ने हमें जन्म क्यों दिया, हमारा दायित्व बनता है हम इस पृथ्वी पे आए हैं, तो हम जिसे हमने, जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है तो हमारा जन्म भी कुछ सफल बनाए, कुछ सेवा करके। तो ये सिस्टम हमें सब कुछ सिखाती है, इसीलिए हमें ये सिस्टम अपना के आगे बढ़ के किसी का जीवन सफल बनाना है, किसी का दर्द, किसी का दुख दूर करना है। हमारे साहब जी का ख्वाब है दर्द बगैर की दुनिया, दवाई बगैर की दुनिया। तो बस हमें भी इसमें आगे बढ़ना है और खुद को भी दवाई रहित और दर्द रहित बनाना है, तो ही हम औरों का जीवन दर्द रहित, दवा रहित बना पाएंगे। तो हमें भी रमेश जी की तरह एक जवान बनना है, 63 ईयर्स के जवान है, हमेशा दौड़ते रहते हैं, कभी थकते नहीं हैं। तो बस हमें ऐसे अविरत दौड़ना है और उनकी तरह
हमेशा हंसते रहना है और अपने जीवन को खिलखिलाता रखना है और बस ये खुशबू चारों ओर बांटनी है। तो हमसे कोई भूल हुई हो तो माफ़ करना, हम आखिर चौहान साहब के शिष्य है तो उनकी तरह तो हम नहीं बांट सकते हर चीज़। उन्होंने जो अध्यात्म का ज्ञान बांटा है उसकी कमी उनके बगैर रहती है। जब उनका प्रवचन रहता है तो अध्यात्म का सागर बहता है, तो वो भी इधर आते रहते हैं। उनकी भी इच्छा है कि अगला इंटरनेशनल प्रोग्राम जब हो रहा है फरवरी में, तो जब मैंने उनको फ़ोन किया तो बोले अगर अभी से डेट फिक्स की जाए तो मैं सारे प्रोग्राम कैंसिल करके आने के लिए तैयार हूँ। तो उनकी भी इच्छा है क्योंकि ये पावन भूमि है संत जी की, यहाँ की ऑरा कुछ और है, ये आप सबने महसूस किया। तो इस भूमि की ऑरा सबको खींच लाती है। तो यहाँ का जो भी स्टाफ है, यहाँ के जो भी कर्मचारी है, जो आप लोगों की सेवा करते हैं, आपके लिए खाना बनाते हैं, पूरा परिवार आरोग्य केंद्र से जो भी लोग जुड़े हैं वो सारे परिवार के हैं, एक परिवार से जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारे आरोग्य केंद्र के पूरे परिवार के लिए मैं हार्टली थैंक्स और जितना कहूँ उतना कम है कि उन्होंने हम सबको इतना प्यार दिया है कि वही प्यार हमें बार बार खींच लाता है। तो एक ऐसा परिवार जहाँ पे आके हमें अपनापन मिलता है, और मैं तो जब भी आती हूँ मैं एक ही शब्द कहती हूँ कि भोपाल और आरोग्य केंद्र मेरा मायका है। जितना प्यार मुझे यहाँ से मिलता है ना, सच मैंने कहीं नहीं पाया है। तो उस प्यार के लिए मैं जीवन भर उनकी ऋणी रहूंगी और मैं उनका ऋण कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। तो सबके लिए मेरा स्पेशल हार्टली थैंक्स, और बस यही परमात्मा से प्रार्थना है कि संत जी की भूमि में हमें जब तक जिंदा रहे आने को मिले, और सेवा का ये कार्य जब तक जिए तब तक करते रहे, आखिरी सांस तक हम दौड़ते रहे और सेवा की भावना लिए चलते रहे। बस मानव सेवा ही माधव सेवा है। संत जी के इस वचन को हम निभाए और जीवन भर सेवा के कार्य में जुड़े रहे। सबको मेरा हरिओम प्रणाम। लहरें उठती हैं, उठकर गिरती हैं, पर फिर उठती हैं और संभलती हैं। उसी प्रकार हमारे संसार में ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो सेवा निरंतर भाव से करते हैं, खुद फिसलते हैं, फिसलकर उठते हैं, संभलते हैं और फिर उसे आगे देते हैं। वैसे ही बुजुर्गों को जीवन देने के लिए इस सेवा में निरंतर कार्यरत रहते, जी हाँ, ऐसे व्यक्तित्व, मैं मुकेश भाई जी ठक्कर जी की बात कर रही हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कृपया वो आए और अपने अनुभव और आशीर्वाद हमसे शेयर करें। मुकेश भाई जी ठक्कर, कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। परम पूज्य संत श्री शिरोमणि हृदयराम के चरणों में सत सत नमन। परम पूज्य सद्भाव जी के चरणों में सत सत नमन। और हमारे परम पूज्य गुरु जी बीवी चौहान सर, उनके चरणों में सत सत नमन। आप और हम सब दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमको यहाँ आने का मौका मिला। संत जी के आशीर्वाद से यहाँ से कोई भी इंसान नाखुश नहीं जाता, सब खुश होके जा रहे हैं। इतने सारे साधकगण जो भी यहाँ स्टेज पे आया है वो एक अजीब किस्म की खुशी लेके आए हैं। आपने ये नोट किया होगा कि जो भी यहाँ आए हैं सब खुश होके जा रहे हैं। इसीलिए हमें जो भी मिलता है, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी मिलता है, उनको हम बताते हैं कि अगर आपने भगवान नहीं देखा है तो भोपाल चले जाइए। जो आपने यहाँ सब कर्मचारीगण या डॉक्टर, यहाँ पे जो भी सेवा करने वाले लोग हैं, डॉक्टर रमेश जी, सिद्ध भाव जी, गुलाब जी, सब सब इतने
दिल से सेवा करते हैं कि यहाँ आके कोई भी आदमी नाखुश होके नहीं जाता, सब खुश होके जा रहा है। तो अब दुनिया के हम सब लोग जो जिनको यहाँ आने का मौका मिला है वो प्रभु का शुक्र मानना, थैंक्स कहना हृदय से कि हमको यहाँ की जो भी सेवा है वो सेवा हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पाई। तो मेरा खुद का अनुभव मैं आपको बताऊं कि कैसे हुआ। मैंने चौहान साहब का एक बुक पढ़ा था, नई भोजन प्रथा का, तो वो 9 साल पहले करीबन अगस्त 2010 में मैंने पढ़ा था, और वैसे ही बुक पढ़ के ही हमने शुरू कर दिया था। और पहले बुक पढ़ के काफ़ी सारे लोगों को पूछा कि भाई ये सिस्टम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सब लोग यही बताते थे कि भाई कच्चा खाने से पेट दुखता है, ये होगा वो होगा, एनीमा नहीं करना चाहिए, दूध के बगैर तो इंसान जी ही नहीं पाता है, दूध तो संपूर्ण आहार है। तो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न थे, लेकिन जब एक डीवीडी चौहान साहब की हाथ में आई और डीवीडी चौहान साहब की देखी, फिर निश्चय किया कि भी अभी किसी को कुछ पूछना नहीं है कि भी करे कि ना करे। बस उसी रात तय कर लिया कि भी कल से ये सिस्टम शुरू करना है। और दूसरे दिन ही सुबह हमारी धर्मपत्नी ने हमारा एज रूटीन कि मैं सुबह उठ के 500 ml जैसे 250 ml के 2 कप चाय के मैं पी जाता था, और साथ में 5-6 पराठा ये सब खाखरा सेव उमरा सब पूरा का पूरा, यानी जैसा हम लोग मानते हैं कि सुबह का नाश्ता राजा जैसा नाश्ता, तो वैसे हमारा पूरा डाइनिंग भरा रहता था। और ये 500 ग्राम चाय और सारे पराठे सब ये सब मैं खा जाता था, और पूरे दिन में 25 से 30 कप चाय पीता था मैं, पूरे दिन में 25 से 30 कप चाय पीता था। तो चौहान साहब का जो लेक्चर मैंने वो सुना कि भी चाय तंबाकू और दारू से ज़्यादा खतरनाक है, और मुझे इतना मेरा कॉन्शियस बैठ हुआ कि मैं दारू पीने वालों को इतनी सारी गालियाँ देता हूँ कि खुद के बीवी बच्चों को अच्छा खिलाएंगे नहीं और दारू में पैसा बहा देते हैं। तो मैंने उसी रात तय कर लिया कि भाई कल से ये गटर पानी सब बंद, जो रोज़ 25-30 कप चाय पीते हैं, सुबह उठ के इतना खाते पीते हैं, कल से सब बंद कर देना है। और मैं पक्का निश्चय करके सो गया था, और हमारी घरवाली ने पूरी चाय नाश्ता सब तैयार रखा था कि चलो भाई आप चाय नाश्ता कर लो। मैंने बोला भैया आज तो मैं आज से कच्चा शुरू कर रहा हूँ, मुझे चाय नाश्ता नहीं करना है। बहुत हमारे दोनों के बीच में बहस हुई और वो एकदम गुस्सा हो गई। ऐसा ही उन्होंने बोला कि भाई ये आदमी को अभी बहुत सुरातन चढ़ा है, तो फिर कर लेना, दो तीन दिन में वो फिर वापस ही आने वाला है। तो 4-5 दिन तो उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया, उनको लगता था कि यह आदमी मेरे बगैर रह सकता है, चाय के बगैर नहीं रह सकता। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग चाय के पीछे इतने दीवाना है, और यहाँ पे सुबह में जो काढ़ा मिलता है वो चाय छुड़वाने के लिए है, बाकी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है उपवास की, हमें ज़रूरत है उपवास से, उपवास से रोग जाएंगे। रोग हुआ है खा खा के तो जाएगा उपवास से। ये अपने घर में लिख के रख देना है कि लंघनम परम औषधम, उपवास से ही रोग जाएंगे। फिर नहीं रह सके तो रस, नहीं रह सके तो सलाद, बराबर है। तो काढ़ा जब तक यहाँ थे आपका चाय छुड़वाने के लिए लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बीमार है उसके लिए उपवास ही परम औषध है। तो उपवास करना, ज़्यादा हो सके उतना दिन भर जूस पीना, नहीं रह सको तो सलाद लेना, और रात को 70-30 वाला रेशियो जो है उसमें अब करते रहना। जैसे हमारा फैमिली पिछले 9 साल से बगैर दवाई के जी रहा है, हैप्पीली जी रहा है, तो वैसे ही आपका हो जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मुकेश भाई ठक्कर जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमें समझाया कि उपवास लंघनम परम औषधम।
खा खा कर आज जो कंडीशन है उसे निकालना ही पड़ेगा, और निकालने के लिए उपवास से अच्छा साधन कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जी इस हॉल में आ चुके हैं, मैं मिस्टर के एल रामनानी जी से निवेदन करूंगी कि कृपया प्लीज मंच पर आए। मित्रों, इस सुंदर सी सृष्टि को आप देख रहे हैं, ये इतनी सुंदर सृष्टि किसने बनाई है? विश्वकर्मा जी ने। हमारे सेक्रेटरी जी रामनानी जी हमारे विश्वकर्मा हैं। आज आप जितने इधर आराम से बैठे हैं, जितने आप सुकून से यहाँ बैठे हैं, जिस तरीके का ये पूरा आप संसार हमारा आर्य केंद्र का देख रहे हैं, उन सब के हमारे ओरिजिन दाता हमारे रामनानी जी हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मैं डॉक्टर दिनेश से निवेदन करूंगी कि कृपया वे मंच पे आए और उनको पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। डॉक्टर दिनेश, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट कभी कम नहीं होनी चाहिए और मुस्कुराते रहिए हमेशा। मैं रामनानी जी से रिक्वेस्ट निवेदन करूंगी कि कृपया वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम साहब जी के चरणों में नमन, श्रद्धेय सिद्ध बाबू जी के चरणों में नमन, मंच पर विराजमान आदरणीय धरती बहन, आदरणीय मुकेश भाई, डॉक्टर रमेश, डॉक्टर लता, इस सभागार में उपस्थित सभी साधकों, आप सबका आरोग्य केंद्र परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन मैं अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं कि मुझे जो समय दिया गया था सुबह आने का, मैं उस समय पर उपस्थित नहीं हो पाया। कोई ऐसी मजबूरी आन पड़ी, संस्था के काम से मुझे गांधीनगर में जो हमारा एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, सेवा सदन आई हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, तो वहाँ पर अचानक इंजीनियर और आर्किटेक्ट आए तो मुझे उनके पास जाना पड़ा गांधीनगर में, जहाँ से सीधा मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन फिर भी विलंब तो विलंब होता है, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं समय पर उपस्थित नहीं हो सका और अंत में आपके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। वास्तव में बहुत हर्ष का विषय है कि हम इस स्थान पर बैठे हैं, जो स्थान हमारे लिए, जो सबके जीवन की अपेक्षा रहती है कि हम जीवन भर निरोगी रहें। लेकिन निरोगी हम कैसे रह सकते हैं, इसकी कुंजी हर किसी के पास नहीं होती है, वो कुंजी हमें ढूंढनी पड़ती है। जिस तरीके से बड़े से बड़ा ताला छोटी कुंजी से खुलता है, उसी तरीके से जीवन में निरोगी रहने के भी जो टिप्स हैं, वो हमें अलग अलग लोगों से, ऋषि मुनियों से, या जिन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से जिया है, अपने खान पान के जरिए, अपने योग के जरिए, अपने साधना के जरिए जीवन को ऐसा बनाया है कि वो अपने आप को निरोगी बना पाए हैं, तो ऐसे ही लोगों से, ऐसे ही महापुरुषों से हमें कुछ कुछ टिप्स मिलते हैं जिनको जीवन में अपना कर हम निरोगी बनते हैं। तो आप सभी यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब है हम अपने जीवन को स्वस्थ तरीके से जीना चाहते हैं। अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो ही विचार भी स्वस्थ होंगे और हम अपने जीवन में जो भी काम करना चाहेंगे वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर ही रोग मुक्त है तो हमारे विचार भी वैसे ही होते हैं और हमारे अंदर निराशा उत्पन्न होती है। तो निराशा को दूर भगाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जो चव्हाण साहब ने तरीका बताया है, वास्तव में हम सभी उससे वाकिफ़ हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ भी चुके होंगे। आप सब लोगों ने 8 दिन तक इस शिविर को अटेंड किया है कि जो खान पान है वही हमारी समस्याओं की जड़ है, वही हमारी बीमारियों की जड़ है। उस खान पान पर अगर नियंत्रण हमने कर लिया है, उस खान पान को कैसे और कितना और कौन सी चीज़ें हमारे शरीर के लिए स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी हैं, उनको जीवन में अपनाना है, और जो चीज़ें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं कैसे उनसे अपने आप को दूर रखना है, यही वास्तव में संयम है। और वही आरोग्य केंद्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई इलाज के बहुत सारे वो तरीके नहीं अपनाए जाते हैं ठीक करने के लिए। यहाँ पर जीवन जीना चाहिए, जीवन जीने की पद्धति, वैसे विचार, वैसे आचार और वैसे जो स्वस्थ खान पान के जो साधन हैं उनको अपना कर अपने जीवन में हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। और अपक्वाहार जो ख़ास तौर से जो बीमारी की जड़ है, जो बताया गया होगा आपको शिविर के दौरान, क्योंकि मैं भी ये शिविर अटेंड कर चुका हूँ, मैं भी इन शिविरों के द्वारा अपने जीवन में लाभ ले चुका हूँ। मेरे को भी बहुत ज़्यादा बीच बीच में ख़ास तौर से जुकाम की बहुत तकलीफ होती थी सबसे पहले, तो उसके बाद मेरे को 8-9 साल पहले जॉइंटिस भी हुआ था, तो इतना सीवियर जॉइंटिस हुआ था कि ऐसा लगने लगा था कि निराशा जीवन में आने लगी है। तो उसके बाद
जब मुझे भी मौका लगा यहाँ पर आने का और उसके बाद इन शिविरों के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का, तो वास्तव में वही जीवन में हम भी तरीके अपना कर अपने जीवन को एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो उद्देश्यपूर्ण हो, समाज के लिए समर्पित हो, परिवार के लिए समर्पित हो। हम अगर अपने घर के बड़े हैं तो हम अपना जीवन अगर ऐसे जिएंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी, जो हमारे यंग जनरेशन जो आएगी, जो खास तौर से खाने के पीछे, स्वाद के पीछे इतना ज़्यादा भागते हैं, अगर वो भी हमें देखेंगे कि हम स्वस्थ हैं, तो उनकी भी निश्चित रूप से रुझान उन चीज़ों की तरफ बनेगा। वैसे तो नहीं बनेगा अगर हम उनको फूड की तरफ या जंक फूड की तरफ देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो इन सी चीज़ों की तरफ जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, अपकवा हर है, अगर वो चीज़ें हम अपने घर में इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे उनके अंदर भी वो प्रेरणा जागृत होती है और वो भी उन चीज़ों का स्वाद लेने लगते हैं। तो वास्तव में हम अपने आप को ही स्वस्थ करने नहीं आए हैं, हम अपने परिवार को और हमारे साथ जो संगी साथी जुड़ते हैं, जो हमको देखते हैं, हमारे अंदर अगर परिवर्तन आता है तो वो भी उस परिवर्तन से प्रभावित होते हैं और हमसे पूछते हैं, हमारे अनुभव शेयर होते हैं कि आपने क्या किया, आपके जीवन में कैसे इतना परिवर्तन आया कि आपका शरीर जो इतना एक स्थूल बनता जा रहा था, वास्तव में वो इतना अब स्थूल से हम एक नॉर्मल लाइफ जीने लग गए हैं, हमारा खान पान नॉर्मल हो गया है, हमारे अंदर एनर्जी बनने रहने लग गई है, वो सब जब हमसे लोग पूछते हैं, देखते हैं, तो हमसे शेयर करते हैं, तो उनको भी हम प्रेरणा दे सकते हैं कि वास्तव में कैसे अपने जीवन को संतुलित बनाते हुए, आहार को संतुलित रखते हुए और जीवन में कैसे अपकवाहार और प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करते हुए अपने जीवन को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं। निश्चित रूप से आपने इसमें बहुत ज़्यादा फायदा लिया है और ज़रूरत है उसको अब अपने जीवन में अपनाने की। आपको इनिशियल प्रारंभिक ज्ञान यहाँ से दिया गया है 8 दिन के लिए, लेकिन बाकी का जीवन आपने आपको ही साधना है उसको, क्योंकि जो अगर कष्ट हमारे, अगर हमको कोई चोट लगती है तो जैसे दर्द हमको सहना पड़ता है, तो स्वस्थ होने के लिए भी जो तरीका अपनाना है वो आपको खुद अपनाना पड़ेगा। दूसरा आपको रास्ता दिखा सकता है, तरीके बता सकता है, लेकिन चलना हमें खुद होता है। तो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं आप जीवन में उसको अपनाएंगे और स्वस्थ रहने की कला न सिर्फ आप सीखेंगे बल्कि दूसरों को भी सिखाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद केएल रामनानी जी। बहुत सही कहा उन्होंने कि अगर हम लोग सीखेंगे तभी हम आने वाली पीढ़ियों को सिखा पाएंगे। जब तक हम नहीं करेंगे, अगर हम ही कुछ भी खाएंगे तो हम कभी अपने घर पे बच्चों को बोल नहीं सकते कि बेटा चॉकलेट मत खाओ, ये नहीं खाओ, आप घर पे मैगी मत खाओ। अगर हम अपने खाने को चेंज करेंगे, अगर हमें बच्चे देखेंगे कि हाँ हम व्रत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी सीखेंगे। अगर हम घर पे फ्रूट्स खाएंगे तभी बच्चे खाने सीखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आगे बढ़ाते हुए अब मैं उनको बुलाना चाहूँगी जिनके लिए शब्द शायद मेरे लिए नहीं है, आपने बहुत बोले हैं। हमारे डॉक्टर रमेश तिवानी जी कहते हैं ना, हीरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, हीरा अपने आप ही निखरता है। मैं उनसे निवेदन करूँगी कि कृपया आए और आप सर को, आप सबको और मोटिवेटेड करें ताकि जाते जाते जो आज आपके अंदर अग्नि जल रही है वो आपको हमेशा आगे निरंतर बढ़ाते रहे और आपको स्वस्थ बनाए रखे। श्रद्धेय सिद्ध भाव जी, आदरणीय चौहान जी, हमारी धरती बहन मुकेश भाई और रामनानी जी और हमारे जितने भी हमारे परिवार के सदस्य, उनके चरणों में मेरा नमन। आज मेरे को कितनी खुशी हो रही है, मेरा परिवार कहाँ कहाँ से आया है और कितना आनंद लेके जा रहा है। जो संत जी की जो इच्छा थी, जो संत जी ने ये इसको ये वरदान दे गए, तीर्थ स्थल है ये, तीर्थ स्थल ये पूरे वर्ल्ड की जो सफरिंग ह्यूमैनिटी है ना उसको निरोगी करेगा, और निरोगी नहीं करेगा, हमारे डॉक्टर भोजराज छाबड़िया जी बोलते थे, जब तक इंसान खुद का डॉक्टर खुद नहीं बनेगा उसका कल्याण नहीं होगा। खुद का डॉक्टर क्या है? अज्ञान। भाई 43 साल पहले मैं भी बीमार था, मेरे पास अज्ञान था, और हमने देखा है कि एक दर्शन है पाश्चात्य दर्शन, वो बोलता है जो दिख रहा है वो सत्य है, खूब एंजॉय कर लो, मर गए तो मोक्ष। भारतीय दर्शन बोलता है नहीं, ये पूरी दुनिया जो दुखी है वो 3 दुखों से दुखी है, आदि देविक, भूत प्रेत से
आदि भौतिक, घर परिवार ठीक नहीं है, समाज ठीक नहीं है, और आध्यात्मिक और शारीरिक, आध्यात्मिक माना शारीरिक और मानसिक दुख, और इन सभी का दुखों का जो कारण है वो इग्नोरेंस, इलिटरेसी, अज्ञान। आप यहां जो 8 दिन में आए हैं, जो चेहरा हमारा रहता था लेकिन वाणी हमारे संत जी की, सिद्ध भाव जी की, डॉक्टर भोजराज छाबड़िया जी की रहती थी। तो मेरा जो ये कहना है, मतलब है कि देखा जाए आज पूरा जो ये बोलते ना इलिटरेसी इज द मेन कॉज, पूरा संसार अज्ञान से भरा हुआ है। और मैं बता रहा हूं कि एक बार जब मैंने चौहान साहब के शिविर में गया था तो मैंने एक शब्द वो सुना था, सूरज रे जलते रहना, जगत की रोशनी के लिए, सभी के दुखों को दूर करने के लिए जलते जलते रहना हमेशा। मैंने देखा है इस शिविर में, बताइए जो हमारे परिवार ने मेरे को फिर जगाया, और ऐसा लगता है कि अभी डेली परमात्मा का नाम तो लेना है लेकिन वो भी एक शब्द सुनना बहुत जरूरी है। मेरे को नहीं सुनना है, सभी को सुनना है, क्योंकि सभी हम यहां से जा रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ये तीर्थ स्थल में पूरे वर्ल्ड को यहां भेजना है, क्योंकि कहीं भी देश से जाते हैं हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। आज हमें कभी अज्ञान के कारण, हमें कभी डॉक्टर के यहां जाते हैं तो हमें उलझाया जाता है। डॉक्टर का अर्थ क्या होता है कि लोग, पूरा समाज स्वस्थ बने या रोगी बने। तो स्वास्थ्य के लिए जो यहां से जो जो संत जी की वाणी और जो डॉक्टर छाबड़िया, भोजराज छाबड़िया और सिद्ध भाव जी, मैं तो सिद्ध भाव जी को भूल ही नहीं सकता हूं। एक बार केवल धरती बहन के मुख से निकला था कि ये शिविर भाव जी अगर हर महीने लगे तो पूरे संसार का कल्याण हो जाएगा, और भाव जी ने उसको तुरंत जो है एग्री कर दिया। और अभी जो उनके मुख से निकला है कि जो हमारे टीनेजर्स हैं, यंगस्टर हैं, उनके लिए भी ये जो हमारे शिविर होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं, ये मेरे को ये विश्वास भी दिलाता हूं कि जहां तक होगा परमात्मा जी की, भाव जी की और सिद्ध भाव जी की, संत जी की आशीर्वाद होगी, ये भी कार्य निश्चित हो जाएगा। और मैं आदरणीय मुकेश जी को भी नहीं भूल सकता। देखिए अगर मुकेश जी परमिट नहीं करते तो धरती बहन क्या कर पाती। आज मेरी मिसेज अगर मेरे को परमिट नहीं करती तो मैं क्या, मैं सही बता रहा हूं, मैं इस जीवन में अगर सबसे ज्यादा काम करूंगा ना तो नारी शक्ति के लिए काम करूंगा। नारी शक्ति जो है ना वो पूरे संसार को निरोगी कर सकती है, वर्ल्ड को जो है हेल्दी बना सकती है और समाज को बदल सकती है। रिवोल्यूशन चाहिए, बदलाव चाहिए, नारी की इज्जत करना चाहिए, नारी शक्ति को। क्यों नारी शक्ति, क्या वो ह्यूमन नहीं है क्या? आज कितने उनके अरमान, कितने शादी नहीं किए, कितने वो रहते हैं, कहां चले जाते हैं शादी के बाद, क्यों नहीं इज्जत दी जाती है, क्यों नहीं उनका रेस्पेक्ट किया जाता है। मेरा सबसे ये निवेदन है कि देखिए इस काम को बहुत आगे बढ़ाइए, कम से कम और नहीं सीखे तो इस तीर्थ स्थल में आके सीख जाए कि नारी का कितना बड़ा रोल है। और हमारे गुरुजी बोलते थे आप लोगों को तो इस ज्ञान की जरूरत है लेकिन इससे ज्यादा जरूरत है आपके होम मिनिस्टर्स को। सबसे पहले मैंने मिसेस को भेजा गोरखपुर में, वो ट्रेंड हो गया, आई 36-38 साल से सिंगल मेडिसिन नहीं खाई है, आज दोनों बच्चों को डॉक्टर बनाने में विशेष हाथ मेरी मिसेस का है। तो हमारा सभी से यही निवेदन है, जो अपन सीखा है यहां से अपन प्रण करके जाए कि ये अगर हमने फैलाया नहीं तो हमारा आना सार्थक तो है, लेकिन जो एकदम सार्थक हो जाए, क्योंकि संत जी बोलते थे देखिए प्राक चिकित्सा एक मुक्ति का मार्ग है। वो बोलते थे कि अगर आप साधना में बैठिए, पता लगे शरीर में पीड़ा हो रही है तो मन पीड़ा में लगे या साधना में लगेगा। तो मैं बता रहा हूं है क्या, कुछ नहीं है। कितनी यहां जो मैं रहा हूं, जो संत जी के आशीर्वाद से आज 65 साल में जो मेरी पीएचडी चल रही है, जो जिसका टॉपिक है कब्ज, कितने खजाने मिले कि हम 500,000 साल जी सकते हैं। एक ही कुदरत ने मशीन दी है कोलोन। अरे हार्ट को बोलना पड़ता है कि ब्लड भेजो, कोलोन को क्यों पानी की जरूरत होती है,
क्यों चाय गुटके की जरूरत होती है, क्यों जुलाब की जरूरत होती है? भगवान ने तो हेल्दी कोनोल बनाई है, लेकिन क्या है, हमने अज्ञान के कारण उसको थका दिया है। पूरी दुनिया जो बीमार है उसके पीछे शब्द है थकान। ओवर ईट करके आंतों को थका दिया, ओवर वर्क करके दिमाग को थका दिया है। सॉल्यूशन क्या है? रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन। रेस्ट माना उपवास। मैं बता रहा हूं आज के युग में जिसने उपवास करना सीखा वो हेल्थ का धनी है। तो सीखिए, नींद करना सीखिए, उपवास करना सीखिए। पूरी दुनिया नींद नहीं करती है, सिखाइए। आज मेरे को कितना, मैं उस परमात्मा को थैंक्स देता हूं कि जो दिव्या ठीक हुई है केवल नींद करके ठीक हुई है। कितनी बड़ी परीक्षा ली थी कुदरत ने मेरी, बिल्कुल बता दूं। और उसमें आप सभी की, जो आप सभी का आशीर्वाद, और ये मैं उसको भूल नहीं सकता हूं। मेरी बिटिया तो चली गई, लेकिन भगवान ने मेरे को बिटिया भी दिए और मेरे को इतना परिवार भी दिया है। दो बिटिया, एक दिव्या बिटिया, एक जो है दतिया से बिटिया आई है, वर्षा बिटिया। तो मेरा जो ये कहने का मतलब है कि समझिए, जो हमें खजाने मिले हैं, बीमारी कुदरत ने हमें दिया, वन वे स्ट्रीट, भोजन यहां से लेना, कचरा पेट से निकालना। ये जब हम निकालने में ध्यान नहीं देते, धरती बहन को तो उसकी आवाज वर्ल्ड में गूंजती है, वो भरना बंद कर दो और निकालना चालू कर दो, एक निर्जला कर लो, दिन में 3-4 बार एने में 24 घंटे ज्यादा कोई रोग नहीं रहता है। कुछ भी होता है इस वन वे को आप पावरफुल करो, इमीडिएट तुरंत एनिमा लीजिए। और आपको ये मैं बताऊं, मैं जब नेचर क्योर में आया मेरा खाना बंद कर दिया, मैंने कहा अच्छी मुसीबत है, बोलते हो अंत ईमान, तब बोले 2 किलो पपीता खाओ, 2 किलो गाजर खाओ, 2 किलो टमाटर खाओ। पता लगा कि जब फल सलाद जूस अंदर जाते हैं तो अंदर के अंगों की शक्ति को बढ़ा के बाहर निकलते 6 घंटे में। आज पूरी दुनिया बीमार है, क्यों बीमार है? क्योंकि पका हुआ मृत भोजन खाती है। और पक्का भोजन जब अंदर जाता है तो अंदर के अंगों की शक्ति को कम करके बाहर निकलता है 48 घंटे में। नाश्ता किया तो 48 घंटे, दोपहर को खाया तो रात को, ये जो 48 घंटे अंदर रहती है यही तो बीमारी पैदा करती है, यही पेट से तो बीमारियां फैलती है। फिर क्या है, लोग पेट पे ध्यान नहीं देके और दूसरे उस पर ध्यान देते, हार्ट पे, लंग्स पे, किडनी में, ब्रेन में। अरे क्या होने वाला है जो हमारा एक पेट, जो नींद करने से, जो फलाहार करने से, जो उपवास से ठीक हो सकता है, तो क्यों हम दूसरों की ओर भागें? मेरा सभी से यही निवेदन है कि जो ये बात आप कंठस्थ कर लीजिए, ये कहीं आपको चीज नहीं मिलेगी जो मेरे को पीएचडी में मिली है, ये वन वे स्ट्रीट है। हमेशा वन वे की ओर ध्यान दीजिए और ये याद रखिए कि फलाहार जो है वो 6 घंटे। दूसरी बात मैं बताऊं, हमारे गुरुजी, मैं चौहान साहब को फॉलो करता हूं। जब अपन रुग्ण हैं तब 100% रॉ डाइट फास्टिंग पे आ जाएं, लेकिन क्या है, हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो शादी ब्याह होटल पार्टी में जाना है तो हमारे डॉक्टर छाबड़े जी बोलते थे मिडिल पाथ इज द बेस्ट पाथ। सुबह सुबह निर्जला, फिर कम भूख लगती तो जूस, ज्यादा भूख लगती तो फल, और ज्यादा भूख सलाद अंगूर, नहीं रह पाए तो पका खाना। तो कोशिश करके रात को पका खाना चौहान साहब भी परमिट करते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर नहीं रह पाते तो सुबह का तो रखना है, दोपहर में आधा आधा कर दीजिए, रात को भी आधा आधा करिए, आप जीवन में हमेशा मस्त रहेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं थैंक्स देता हूं परमात्मा को, थैंक्स देता हूं हमारे संत जी को, हम थैंक्स देता हूं सिद्ध बाबू जी को, चौहान साहब को, धरती बहन और आप सभी, मैं परिवार को थैंक्स देता हूं कि आज जो मैं आपके पास खड़ा हूं तो केवल उन शक्तियों के कारण, डॉक्टर भोजराज छाबड़िया, मेरे माता पिता, मेरी बिटिया दामाद, मैं सबका बहुत ही ऋणी हूं। और मैं सही बता रहा हूं, रेणुका गई है मेरे को छोड़ के, लेकिन वो बोल के गई है पापा आपको 1000 रेणुकाओं तैयार करना है। मैं चाह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, लाखों बेटियां, लाखों परिवार, सबका रोल है, सबको आगे बढ़ना है, इस जगत को निरोगी करना है। जो ईसा जैन एवंडीम ने जो 1800 ईस्वी में रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, बदलाव चाहिए। मैं कतई नहीं बोलता हूं होटल पार्टी शादी ब्याह में नहीं जाइए, खाना खाने के बाद, सब काम करने के बाद फिट रहें, इससे बड़ा क्या चाहिए? केवल सीखिए नींद करना, रिलैक्स करना, रेस्ट करना। तनाव के युग में जिसने आज 3 चीजें सीखी, रेस्ट, रिलैक्स एंड स्लीप,
और इसके बाद में और निवेदन करता हूं कि भूल के भी डॉक्टर के यहां मत जाइए और कोई डायग्नोस कर नहीं करवाइए, जो पांच चीजें बताइए। पहला नंबर पेट को देखिए, पेट साफ हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरा भूख लग रही है नहीं लग रही है। तीसरा नींद आ रही है नहीं आ रही। चौथा शरीर पीड़ा रहता है नहीं है। पांचवा पेट छाती के अंदर है या नहीं है। बस अगर आपने इनको देखा तो समझिए अपन जीवन मुक्त होने में अपने को बिल्कुल देर नहीं लगेगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश तिवानी जी। आप सबने जय हो मूवी किसने देखी है आप सब में से? हाँ, तो उसमें सलमान खान ने क्या सिखाया है कि अगर आपको किसी ने सहायता की है तो आपको थैंक यू नहीं बोलकर क्या करना है, आगे तीन लोगों की सहायता करनी है, वो आपका सच्चा थैंक यू रहेगा। तो आज अगर आप सीरियसली थैंक यू हैं तो हमारे डॉक्टर रमेश तिवानी जी का उद्देश्य जो है कि इसे जन जन हित में हर एक घर में नेचुरोपैथी डॉक्टर होना चाहिए, उसे फैलाना है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि ये सब जरूर आपकी बातों का पर अमल करेंगे। डॉक्टर गुलाब तिवानी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया मंच पर आए। मैं वैसे ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, इसीलिए और काफ़ी काम में व्यस्त रहता हूँ तो मेरा दिमाग काफ़ी जगह चलता रहता है, इसीलिए एकाग्रित होके बोलने का जो है वो प्लानिंग से करना पड़ता है मेरे को, बहुत उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है। पर अचानक से आ गया है इसीलिए कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा ज़रूर कर दीजिएगा। आप सब लोग विश्वास रख के हमारे केंद्र में आए हैं, केंद्र में आपने स्वास्थ्य लाभ लिया है। क्या है कि आप जब आए थे तो आप पेशेंट बन के आए थे, हमने आपको पेशेंट से परिवर्तन कर दिया, साधक बना दिया हमने आपको। अब आप सब साधक हो गए तो सबसे पहले तो अपने लिए तालियां बजाइए कि ऐसी साधना आप करने के लिए तैयार हो गए हैं। साधना करना भी हर किसी का, कहते हैं ना, हर किसी के बस में नहीं रहता है साधना करना। साधना भी वही कर पाता है जिसके ऊपर कृपा होती है, और कृपा का सही जो अर्थ है वो यही है कि कर और पा। जब आप करेंगे तभी पाएंगे, तभी उसकी सत्ता की कृपा हमारे ऊपर हुई होगी। तो ऐसा आप आज मान लीजिए कि उनकी सत्ता, उनकी कृपा आपके करके पाने से आज वो हुआ है, और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज जो स्वास्थ्य रक्षक का आपने रास्ता चुना है, मैं आशा करता हूं कि इसी रास्ते पे आप चल के हमेशा स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे परिवार स्वस्थ होगा, परिवार से समाज स्वस्थ होगा, और समाज से ये राष्ट्र, स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ भारत का निर्माण हम अवश्य कर पाएंगे, इसमें हमारा ये योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलाब। डॉक्टर अर्जुन तिवानी जी भी यहाँ पर हैं, मैं उनको स्टेज पर निवेदन करती हूँ कि स्टेज पर आए और दो शब्द हम सबके साथ अपने बांटें। डॉक्टर अर्जुन तिवानी जी, सर्वप्रथम इस नेचुरोपैथी व आरो केंद्र के प्रेरणा स्रोत व हमारे गुरु जी परमहंस संत श्रोमणि हृदयराम साहिब जी के श्री चरणों में शीश झुका कर नमन करते हैं। स्वामी जी के सभी सेवा कार्यों को गति देने वाले और इन शिविरों के मुख्य आधार स्तंभ श्रीदेव सिद्ध भाऊ जी के कमल चरणों में भी नमन करते हैं, और आप सभी के शरीर रूपी मंदिर में विराजमान आत्मा रूपी परमात्मा को भी नमन करते हैं और आपके शुभ स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। वास्तव में जो मंच पर विराजमान हैं वो देखा जाए तो हम सब एक ही परिवार के हैं, और इन सब का उद्देश्य एक ही है जो हमारे स्वामी जी का उद्देश्य था कि हर व्यक्ति को दवाइयों व दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से बचाकर स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखानी है। वो आप लोगों ने 7 दिनों में सीखी है और इन लोगों ने तो प्रैक्टिकल अनुभव आपको बताया है, और यहाँ पर भी आपको 7 दिन जो शरीर की शुद्धि हुई है अंदर से और बाहर से, वो आपने खुद अनुभव किए हैं। घर में कैसे स्वस्थ रहें, बीमार न पड़ें,
वो भी लगभग आप तरीके सब सीख गए हैं। जो स्वामी जी का उद्देश्य है कि बीमार न पड़ें, वही जो उपाय आपने सीखे हैं वो घर में फॉलोअप करना, अगर कभी बीमार पड़े तो घर में ही जो साधन उपलब्ध है वो सारे आपको सरल तरीके सब बताए हैं, प्रैक्टिकल करके भी बताए, थ्योरेटिक करके भी बताए, उसको फॉलोअप में लाना और दवाइयों से छुटकारा पाना। अब मैं ज़्यादा तो इनके जो हमारे मेन अतिथि आए हैं, खास करके धरती बेन एंड उनके मिस्टर मुकेश ठक्कर जी, एक्चुअली मैं इनकी ज़्यादा तारीफ तो नहीं करूँगा, परंतु इनके जीवन में जो वास्तविक घटना घटी है वो एक मिनट में शेयर करता हूँ, शायद उन्होंने आपको हो सकता है बताया भी हो, और वो बहुत ही दर्द टाइप की थी। एक बार धरती बेन के मुख से सुना था या भार्गव जी के या किसी और के थे, ये सुना था कि धरती बेन बहुत बढ़िया क्लास लाइफ में, एजुकेशन लाइफ में बहुत अच्छी डांसर थी, अच्छा डांस करती थी, और फिर इनको धीरे धीरे अज्ञानवश रोग आता गया और पूरे शरीर को जकड़ लिया, और यहाँ तक वे कि पूरे जोड़ों में इनको तकलीफ इतनी हो गई और हर एक जगह पर उन्होंने बेल्ट बांधना शुरू किया, और वो बताती थी कि मैं चल भी नहीं सकती थी और रॉबर्ट की तरह चलती थी, लोग बाग पकड़ पकड़ के चलाते थे, और यहाँ तक कि 30-30, 40-40 टेबलेट भी लेती थी। जब इतनी स्थिति दयनीय हो गई तो एक बार बताती थी कि मैं जिस फ्लैट में रहती थी वहाँ इनके दोनों बच्चे शायद आए भी हुए हैं, बहुत छोटे थे, एक तो इतना बच्चा था कि गोद में तक था, मिस्टर को तो यहाँ तक भी उन्होंने बोल दिया देखो छोटे बच्चे हैं, मैं तो ठीक कहीं से हो नहीं रही हूँ, सारे आपने जो ठीक होने के जो प्रयास हैं वो कर लिए हैं फिर भी ठीक नहीं हो रही हूँ, बच्चों के फ्यूचर के लिए आप चाहें तो दूसरी शादी कर लें, यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया, परंतु मिस्टर ने उसको हिम्मत करके उसने ऐसा इलाज करवाया जो अब आपके सामने है। उसके बाद एक घटना जो घटी वो मेरे को भी बहुत दर्द हुआ कि एक छोटा बच्चा, बहुत छोटा, चल भी नहीं सकता था, वो अपने ये नीचे फर्श पे लेटी हुई थी और बच्चा धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा था, माँ तो खुश भी होती है कि मेरा बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, वो बच्चा तो चढ़ गया पूरी सीढ़ी पे, पर जब वापस उनको उतरना तो आता नहीं था, और रोए चिल्लाए, माँ बेचार मजबूर कि यहाँ से करोड़ नहीं बदल सकती, फादर उनके जॉब में, बेटा दूसरा स्कूल में, अब वो क्या करें, आवाज़ करे चिल्लाए तो कोई अड़ोस पड़ोस भी नहीं आए, और वही बेटा जब नीचे उतरना शुरू किया तो धड़क से गिरता 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 इसके गोदी में आ गया और क्या छाती से लगा, उस समय क्या माता के अंदर से इतने कष्ट सहे। उसके बाद इनके कोई पुण्यक्रम खुले हुए थे, इनके मिस्टर ने डॉक्टर बीवी चौहान के पास ले गए और उसके आशीर्वाद से ये ठीक हुई, और मिस्टर ने कहा अब जहाँ से तुम ठीक हुई हो तुम पूरा जीवन उसी के लिए लगाओ, और आजकल उनके मिस्टर भी बहुत पब्लिक को काफ़ी सेवाएं देते हैं, और जहाँ ये रह रही हैं वहाँ करीबन हर महीने में 1500 का शिविर लगाते हैं और लोगों को ठीक कर रही है, तो यहाँ पर भी जो शिविरों की प्रक्रिया हुई ना इनके गुरु जी और इनके कारण ही हुई है, तो इनको हम धन्यवाद दें, बहुत बाहर से आइए अपन सब मिलकर के, और बाकी आप लोगों से एक यही है कि जो यहाँ सीख के जा रहे हो जिसको जितना भी फायदा हो, और किसी को नहीं भी हुआ हो वो मैंने पहले ही दिन बताया कि किसको कितना फायदा होगा किसको कितना होगा, वो तीन बातों पर डिपेंड था, वो आप फॉलोअप घर पर करेंगे आपको ज़रूर फायदा होगा। बस आपका ज़्यादा समय न लें, समय बहुत ज़्यादा हो गया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्जुन तिवानी जी। अब मैं केएल रामनानी जी से निवेदन करूंगी कि कृपया वे हमारे श्री मुकेश भाई ठक्कर जी का को शॉल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान करें, जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का सम्मान करें। तालियों की गड़गड़ाहट कहीं से भी कम नहीं होनी चाहिए, इससे बहुत एनर्जी मिलती है, सारे के सारे बॉडी के रिफ्लेक्स पॉइंट्स हमारे हाथों में होते हैं, तो कृपया
मैं श्रीमती लता टिवानी जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारी धरती बहन जी का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान करें। श्रीमती लता टिवानी जी, जोरदार तालियों से हमारी धरती बहन जी का सम्मान करें। आज इस अनुभव सत्र के हम बहुत ही समापन के समीप हैं और ये ऐसे क्षण होते हैं जो बहुत खट्टे मीठे होते हैं। हम आगे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए बढ़ रहे होते हैं और यहाँ से अपनों से बिछड़ रहे होते हैं, लेकिन ये बिछड़ना हमेशा के लिए बिछड़ना नहीं है। आई एम श्योर हम वापस ज़रूर मिलेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस हम आगे वर्ल्ड में कहाँ कैसे जाकर बांटे और किस किस को हमने फ़ायदा दिया वो आकर वापस ज़रूर शेयर करेंगे। इस प्रतिज्ञा के साथ मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम सबका धन्यवाद आभार के लिए मैं हमारी डॉक्टर लता टिवानी जी को रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि कृपया वे आएँ और आभार व्यक्त करें। श्रीमती लता टिवानी जी। सर्वप्रथम नमन परमपिता परमात्मा के चरणों में, हमारे गुरुजी परमहंस संत शिरोमणि हृदयराम साहिब जी के चरणों में, श्रद्धेय सिद्ध भाव जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। मंच पे आसीन हमारी धरती बहन जी, मुकेश भाई ठक्कर जी, रामनानी जी, सबके चरणों में मेरा शत शत नमन और टेवानी जी के चरणों में भी मेरा शत शत नमन। आप सभी साधक गणों के चरणों में मेरा शत शत नमन। सबसे पहला धन्यवाद मेरा जाता है उस परम पिता परमात्मा को जिन्होंने हमें ये मानव जीवन दिया। इस मानव जीवन को सार्थक करने का जो उद्देश्य था, मानव जीवन ही माधव जीवन है, ये सार्थकता हमें हमारे गुरुजी संत शिरोमणि हृदयराम साहिब जी ने सिखाई, उनको शत शत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे परम संत जी के परम शिष्य श्रद्धेय सिद्ध भाव जी को। मैं तो हमेशा कहती हूँ हमारे परम संत जी के जो शिष्य हैं श्रद्धेय सिद्ध भाव जी, वो संत जी की बानर हनुमान जी है और हम क्या हैं, उनकी बानर सेना है और उन्होंने अपनी एक बानर सेना जो तैयार करी है वो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। श्रद्धेय सिद्ध भाव जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दूंगी मैं हमारे बड़े दूर से पधारी हैं अपनी धरती बहन, उनके लिए मैं दो लाइनें धन्यवाद स्वरूप करूंगी। तू ज्ञान का सागर है, तेरे हर ज्ञान के प्यासे हम। तू ज्ञान का सागर है, दे ज्ञान हमें तू तो ये जग भी स्वस्थ रहे। तू ज्ञान का सागर है। और दूसरी लाइन है, बड़ी दूर से आई है स्वास्थ्य का तोहफा लाई है। इन्होंने हम सबको स्वास्थ्य का जो तोहफा दिया है तो ये हम लोग आप सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो यहाँ आई और अपने ज्ञान से आपको गौरवान्वित किया है, आपको ज्ञान दिया है ताकि आप लोग भी जीवन में उसी प्रकार स्वस्थ रहें, उसी प्रकार एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें जैसे वह कर रही हैं। क्या होता है, जिसके पास जो चीज़ होती है वही तो उसको देता है, जिसके पास सुख है वो सुख को बांटता है, जिसके पास दुख होता है वो हमेशा अपने दुखों को रोता है। तो जिस व्यक्ति के पास जो होता है वही उसको दे सकता है। इनके पास स्वास्थ्य है इसीलिए आप लोगों को स्वास्थ्य दे रही हैं। धन्यवाद धरती बहन जी। धन्यवाद हमारे मुकेश भाई ठक्कर जी,
जो उनको सहयोग करते हैं और इनको हर शिविर में यहाँ हमारे आने के लिए परमिशन देते हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने इस बार हमारा आग्रह स्वीकार किया, आप यहाँ आए और हम सबको अपने जो भी ज्ञान है उसे ज्ञान हमको ज्ञान दिया। और हम ऐसी आशा करते हैं कि जब भी हम लोगों को आपकी आवश्यकता पड़ेगी आप ज़रूर उनके साथ आएंगे और हमको समय देंगे। धन्यवाद मुकेश भाई जी, धन्यवाद हमारे रामनानी भाई जी, आप इस भवन में जो बैठे हैं, आप अगर 4 महीने 5 महीने पहले यहाँ देखते तो यहाँ ईंट और गारे के बने रखे हुए थे। असल बात क्या है, जो हमारा जितने भी कंस्ट्रक्शन हैं संस्थाओं के, वो सारे इनके ही सुपरविजन में होते हैं। इसके लिए हमारे श्रद्धेय सिद्ध भाऊ जी इनको विश्वकर्मा की उपाधि देते हैं। जिस प्रकार संसार की रचना करने के लिए, वो सुदामा का नगर बनाने के लिए कृष्ण भगवान ने विश्वकर्मा को भेजा था कि उनका जो गांव है क्या है, सुदामा को उन्होंने रहने के लिए बोले महल बनवा देता हूँ, तो सुदामा ने कहा नहीं, मैं अकेला महल में नहीं रहूँगा, मेरा जो पूरा गांव है आप उसको बदल दीजिए। तो उसके लिए उन्होंने एक विश्वकर्मा को वहाँ से भेजा, उन्होंने पूरा गाँव का निर्माण कर दिया। इसी प्रकार जो हमारा संत नगरी है, इस गाँव के निर्माण के लिए श्रद्धे सिद्ध भाऊ जी ने रामनानी जी को विश्वकर्मा बनाया है। वो हमारे जितने भी सेवा के कार्य हैं, कॉलेज देखा आपने, ऑडिटोरियम देखा या कॉलेजेस देखे, स्कूल देखे, आई हॉस्पिटल्स देखे, जो भी कुछ देखा है वो सब इनके सुपरविजन में ही तैयार हुए हैं। धन्यवाद आपको रामनानी जी, आप हम सबके लिए इतना समय निकालते हैं। धन्यवाद उन डॉक्टर्स के लिए, सिस्टी है और भी बच्ची हैं इंटर्नशिप कर रही हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने जो भी आपका सेवा करी है वो धन्यवाद की पात्र हैं। क्या है, हम अकेले लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बोलते ना साथ ही हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना साथी रे। तो जब एक एक जर्रा सबसे मिलता है तो ही वो क्या करता है, भवन बना सकता है। तो ये जो शक्तियाँ हैं हमारे जूनियर्स डॉक्टर्स हैं, आकाश है अपना, सिस्टी है और भी जितने भी जूनियर्स डॉक्टर्स हैं, वे सब हम लोगों के जाने अनजाने में जिनके नाम यही याद रहेंगे, तो उनका भी थैंक्स है कि उन सबको हम इसलिए थैंक्स देते हैं कि उनके आगे पूरा जीवन पड़ा है अभी सीखने को और समाज को कुछ देने का। जब वो कुछ सीखेंगे यहाँ से, और लड़कियों के लिए तो खास करके क्या है कि पोलाइटनेस बहुत ज़रूरी होती है, लड़कियाँ क्या किसी के लिए भी पोलाइटनेस और सहनशीलता। हमारे संत जी बोलते थे कन्याओं को जो संस्कार दिए जाएं घर में, उनको दो ही चीज़ें सिखाई जाएं, सबसे पहला है उनमें सहनशीलता होनी चाहिए, दूसरा है नम्रता होनी चाहिए। जब सहनशीलता नम्रता आपस में मिलती हैं तो क्या करती है, एक अच्छी पर्सनालिटी का निर्माण करती हैं। अगर आप में सहनशीलता है तो आप जल्दी से रिएक्ट नहीं करते किसी को, उसकी बात को पूरी तरह सुनते हो। सामने वाला तो क्या है, हमारे पास अपनी समस्या लेके आया है, हमें उसे सुनना है, सुनने के बाद उसे क्या करना है, पोलाइटली वो चीज़ बतानी है। तो ये बच्चियाँ जब यहाँ देखती हैं कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं और लोग हैं, संत जी हैं, अपने सिद्ध बहू जी हैं, वो कितने पोलाइट हैं, इतने बड़े होने के बाद भी हर एक चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद रिप्लाई करते हैं और समझाते हैं, जहाँ गलती होती है उसे प्यार से बताते हैं। तो ये बच्चों को सीखने का है। तो हम लोग केंद्र में भी बच्चे क्या है, हम लोग उनको अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं देते, सिखाते नहीं हैं, वो जैसा बड़ा, जैसे आपके घर में है बड़ा जो कुछ करता है बच्चा वो सीखता है, स्कूल जाता है टीचर जो करती है बच्चा वही करता है। तो जो यहाँ आरोग्य केंद्र में स्टाफ एक दूसरे को देखता है और सीखता है तो वही देता है। तो मैंने पहले भी आपको कहा, जिसके पास जो चीज़ होती है वही किसी को दे सकता है। तो उनके पास पोलाइटनेस है, उनके पास सेवा भावना है, तो वही आपको देते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद अपने पूरे स्टाफ का करती हूँ, वह हैं तो हम हैं, उनके बगैर हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं।
तो हम पुनः धन्यवाद हमारे डाइट सेंटर में जो काम करती हैं लड़कियां, खाना बनाती हैं, आप सबको देती हैं, अन्नपूर्णा है वो हमारी। हम लोग तो केवल उनको क्या है, एक डाइट बताते हैं, एक बार बता देते हैं इस चीज को ऐसे बनाना है, और बाद में हम लोग देखते हैं कि वो हमसे भी ज्यादा अच्छी तरह बना के आपको खिलाती हैं। करते हो प्रभु तुम, नाम मेरा हो रहा है, तो करती हैं वही सब, और बताते हैं कि यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं और डॉक्टर सब कुछ कर रहे हैं, जबकि हमारे सबसे ज्यादा हम धन्यवाद उन्हीं हमारे स्टाफ्स को दे रहे हैं जो कि खाना तैयार कर रही हैं, आपको ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, आप लोगों का ध्यान रख रहे हैं, और आप लोगों को किसी प्रकार की जो परेशानी नहीं होने दे रही हैं वो है हमारा स्टाफ, वह है हमारी शक्ति। तो धन्यवाद उनका, धन्यवाद हमारे इलेक्ट्रीशियंस का जो समय समय पे देखते रहते हैं पंखे चालू हैं कि नहीं है, लाइटें चालू हो रही है कि नहीं हो रही, किसी प्रकार की किसी को असुविधा तो नहीं हो रही है, इसके लिए उनका धन्यवाद। धन्यवाद हमारे अशोक भाई जी का, बड़ी देर से आप लोगों की सुंदर सुंदर तस्वीरें कैच कर रहे हैं कैमरे में, और इसकी सीडी बनाएंगे, फिर अगले शिविर में जब आप आएंगे या नहीं आएंगे ये आपको पोस्ट कर दी जाएगी वो सीडी, जिसमें आपको अपने अनुभव, आप कैसे बोल रहे हैं, क्या बताया है, वो सब सुनने को मिलेगा आपको। और धन्यवाद हमारे आलोक भाई जी को, साउंड सिस्टम पे हैं, वो अच्छी तरह से आपकी आवाज़ को कैद कर रहे हैं, आप लोग सुनेंगे तो आपको लगेगा हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। क्या रहता था, हम लोग जब स्कूल में कॉलेजों में पढ़ते हैं तब हमें कोई डिबेट कंपटीशन या भाषण प्रतियोगिता किसी में भाग लेना होता था, मैं अपने अनुभव बता रही हूँ, अब दूसरों के साथ होते होंगे नहीं होते होंगे, तो हमको जब किसी कंपटीशन में भाग लेना होता था और तो हम क्या करते थे, उसी स्पीड में भाषण प्रतियोगिता के लिए आईने के सामने, दर्पण के सामने उसी चीज़ की प्रैक्टिस करते थे बार बार, कि हम कैसे लग रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं बार बार हमारा हाथ हिल तो नहीं रहा है, हमारी आँखें ज़्यादा मटक तो नहीं रही, वो सब चीज़ें हम लोग खुद ऑब्जर्व करते थे। तो अब क्या होगा, सीडी का जमाना आ गया है, अब आप सीडी में देखिएगा आप लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे खड़े हैं, तो ऐसे करते करते फिर क्या है, हमको प्रैक्टिस हो जाती है उन सब चीज़ों की, बोलने की, देखने की। तो हम धन्यवाद देंगे हमारे आलोक भाई को, अशोक भाई को पुनः से धन्यवाद, आप सभी को, जाने अनजाने में कोई व्यक्ति छूट गया है उसको भी धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद सरस्वती बिटिया को, डॉक्टर सरस्वती टेवानी बिटिया है हमारी, उसको कि उसने मंच का संचालन किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताई, धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद, जोरदार तालियां आप ही के लिए, आप लोगों ने हमें सुना और अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया कि हम आपको ये खिलाएं, जो आपने कभी नहीं खाया है वो भी आपको खिलाएं, तो आप अनुभव करें, फिर उस टाइम भले आपको लग रहा होगा कि क्या दे रहे हैं खाने को, कैसा दे रहे हैं, बस उसके बाद फिर क्या रहता है, गोली कड़वी जरूर लगती है पर जाने के बाद जब रिजल्ट देती है तब राहत मिलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः धन्यवाद आप सबका।